में कभी सुना करते थे कि क्रांति भीड़ से नहीं आती, क्रांति तो मुट्ठी भर लोग लाते हैं, और मुट्ठी भर लोग अगर कोई बात उनके गले उतर जाए तो फिर वो आगे से आगे आगे से आगे शब्द एक से दूसरी जगह पहुंचता है, और इसी प्रकार क्रांति का सूत्रपात होता है। अब इसलिए मैं माननीय राजीव जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी सारगर्भित वार्ता से हमको लाभान्वित करें। आज की इस विचार गोष्ठी में उपस्थित सभी जयपुर के सम्माननीय नागरिक बंधु, मंच पर बैठे हुए आदरणीय श्री धूत जी, रोटरी क्लब के पूर्व प्रांतपाल महोदय, मैं आपके सामने भारत देश की आज की एक बहुत गंभीर विषय पर वार्ता करने की तैयारी में हूँ। और वो गंभीर विषय क्यों है? क्योंकि हमारे देश में पिछले 10-12 वर्षों से, या अभी कहें तो 15 वर्षों से, सरकार की ओर से बहुत बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया जा रहा है, वो है उदारीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। पिछले 10-12-15 वर्षों से जब से ये अभियान चल रहा है, इस अभियान को अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो ये ना तो ग्लोबलाइजेशन है ना तो लिबरलाइजेशन है, ये भारतीय समाज का अमेरिकनाइजेशन करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें और लिबरलाइजेशन की बात करें तो वो बात कुछ दूसरे तरह की होती है। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया जो है ना सबके लिए खुली है, अगर दुनिया सबके लिए खुली है और बार बार एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि अब पूरा विश्व एक गांव हो गया है, कोई कहीं भी आ सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, तो इस दृष्टि से मैंने उदारीकरण, वैश्वीकरण को समझने की कोशिश की है कि क्या सच में विश्व एक गांव हो गया है। तो मेरे मन में जो प्रश्न आता है वो, और जो हो रहा है वो, दोनों को जब मैं देखने की कोशिश करता हूं तो पता चलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन का सही अर्थ माने तो भारतीय मान्यता में और भारत की संस्कृति में, सभ्यता में, वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है कि सारी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, कुटुंब है, जिसमें हर कोई स्वतंत्र है अपनी इच्छा से दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हुए कुछ करने के लिए। हमारी तो भारत की मान्यता कुछ इस तरह की है। लेकिन क्या दुनिया में वैश्वीकरण और उदारीकरण के नाम पर जो हो रहा है वो वैसा ही है? तो देखने में आता है कि हो ये रहा है कि अमेरिका और यूरोप की तरफ से दुनिया के गरीब देशों को जबरदस्ती दबाकर एक तरफा उनको अमेरिका और यूरोप की वस्तुओं का, सेवाओं का बाजार बनाने की तैयारी और कोशिश हो रही है। जब हम सही वैश्वीकरण की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिसके पास जो कुछ है, कहते हैं ना कि दुनिया में, अभी भारत में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस वैश्वीकरण उदारीकरण के बहुत बड़े पैरोकार हैं और बहुत बड़े समर्थक हैं। वो हमेशा एक तर्क देते हैं कि दुनिया में सभी लोगों को सस्ती और अच्छी वस्तुओं का खरीदने का और उपभोग करने का अधिकार है। तो ठीक है, किसी देश के पास बहुत अधिक मात्रा में सस्ती और अच्छी वस्तुएं हैं तो वो दूसरे देश में जाकर उनको बेचे, लेकिन इसके विपरीत अगर किसी देश के पास बहुत अच्छा और सस्ता श्रम है तो वो भी किसी दूसरे देश में जाकर बेचे। एक तरफ वस्तुएं हैं, एक तरफ श्रम है, और एक तरफ पूंजी है। अगर किसी देश के पास बहुत सरप्लस में पूंजी है, बहुत अधिक मात्रा में पैसा है, जो पिछले 500-700 वर्षों में किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत इकट्ठा हुआ है, जैसे यूरोप और अमेरिका में, तो वो तो स्वतंत्र हैं अपना पैसा लेकर कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी लगाने के लिए, कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए, और सारे के सारे नियम कायदे कानून उसी हिसाब से बन रहे हैं।
WTO की विश्व व्यापार संगठन की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की जो शर्तें हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अमीर देश अपनी पूंजी को लेकर किसी भी देश में जाएं, कुछ भी उत्पादन करें, बिक्री करें और मुनाफा लेकर अपने देश में आएं। तो जब भी उनसे ये बात होती है कि भाई आप अपनी पूंजी लेकर दुनिया के अगर किसी भी देश में जा सकते हैं, तो जिन देशों के पास पूंजी नहीं है उनके पास दूसरी कोई चीज है, तो वो उसे लेकर दूसरे किसी भी देश में जाने की उनको छूट होनी चाहिए। जैसे भारत के बारे में मैं बात करूं, अफ्रीका के बारे में बात करूं, एशिया के देशों के बारे में बात करूं, तो हमारे पास पूंजी अधिकता में नहीं है, क्योंकि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत पिछले 500 साल में हमारी पूंजी को लूटा गया है। गुलाम बनाकर, कभी अंग्रेजों के द्वारा, कभी फ्रांसीसियों के द्वारा, कभी डच लोगों के द्वारा, कभी स्पेनिश लोगों के द्वारा, समय समय पर हमारे देशों को, हमारे जैसे देशों को गुलाम बनाकर हमारी पूंजी को लूटा गया। तो हमारे पास तो सरप्लस में पूंजी नहीं है, लेकिन हमारे पास सरप्लस में श्रम है, लेबर है और स्किल्ड लेबर है। तो उदारीकरण में क्यों नहीं हमको इस बात की छूट होनी चाहिए कि हम हमारे अतिरिक्त श्रम को, अतिरिक्त लेबर को लेकर दुनिया के किसी भी देश में जाएं और उनको वहां हम काम पे लगाएं और उनके श्रम का जो मूल्य मिले वो भारत में लेके आएं। इसका अर्थ यह है कि हम हमारा दरवाजा अगर विदेशी पूंजी के लिए खोलते हैं तो अमेरिका और यूरोप के देशों के दरवाजे हमारे श्रमिकों के लिए क्यों ना खुले। भाई जिसके पास जो सरप्लस है वो अपना बेचे बाजार में, तो यूरोप और अमेरिका के पास वस्तुओं की अधिकता है और पूंजी की अधिकता है, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन वाले लोग हैं। तो अपनी वस्तु और पूंजी को लेकर अगर वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हमारे पास श्रम की अधिकता है क्योंकि जनसंख्या बहुत है, चीन के पास श्रम की अधिकता है क्योंकि जनसंख्या बहुत है। तो हमारे मजदूरों को उन देशों में जाने की खुली छूट होनी चाहिए, अर्थात किसी भी देश में भारत के मजदूरों को जाने के लिए वीजा एप्लीकेशन क्यों होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन में। जब उनकी पूंजी हमारे देश में आती है और बिना किसी रोक टोक के आती है तो हमारे श्रम को उनके देश में जाने के लिए रुकावट क्यों होनी चाहिए। अमेरिका और अमेरिका समर्थक देशों में वीजा के लिए रुकावट क्यों होनी चाहिए। भारत के नागरिकों को दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास श्रम है, उनके पास पूंजी है। दुनिया में दो ही चीजें होती हैं जो उत्पादन में मदद करती हैं, या तो पूंजी मदद करती है या श्रम मदद करता है। और पूंजी अकेले तो कुछ नहीं करती बिना श्रम के, बिना लेबर के पूंजी तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो अपने आप में मृत वस्तु है, उसमें तो जान नहीं है, जीवित नहीं है। तो हमारे पास जो जीवित है वो हमारा श्रम है। तो हम हमारे नागरिकों को श्रमिक बनाकर करोड़ों की संख्या में अमरीका क्यों ना भेज दें। मान लीजिए हमारे 20 करोड़ श्रमिक हैं, अमरीका उनको ले ले, हमारे पास 50 करोड़ श्रमिक हैं, यूरोप के देश उनको ले लें, तब हम उनके देश की पूंजी ले लें, तो बात बराबर बैठती है और तब हम उसको ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास कुछ अधिक है तो तुम दे रहे हो, हमारे पास कुछ अधिक है तो हम दे रहे हैं तुमको। ये लेन देन अगर बराबर के स्तर पर होता है तब तो कुछ ठीक बैठता है और उसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वास्तविकता ये है कि हमारे श्रमिक अमेरिका ना जा सकें, यूरोप के देशों में ना जा सकें, उसके लिए इतने कठोर वीजा के नियम बनाए गए हैं कि आप आसानी से वीजा ले न सके। भारत में हर साल 50 लाख से ज्यादा नागरिक अमेरिका के वीजा के लिए एप्लीकेशन देते हैं और उनमें से 45 लाख को एक ही बार में रिजेक्ट कर दिया जाता है, 5 लाख में से सिलेक्शन किया जाता है और उसमें से मुश्किल से एक आध लाख को या उससे भी कम 70-80 हजार को वीजा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ से नागरिक उनके यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन उनके यहाँ से पैसा हमारे यहाँ आ सकता है। अच्छा, जब इन देशों के साथ इस तरह की बात होती है तो वो एक तर्क देते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर हम भारत और भारत जैसे विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दें तो हमारे देश में तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा।
लेकिन उनकी ये बात सच नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि वो देश बहुत कम पॉपुलेशन वाले हैं पहले से ही, तो इसलिए ओवर पॉपुलेशन होने का कोई कारण वहां दिखाई नहीं देता। मैं आपको एक तुलनात्मक तरीके से समझाता हूं। भारत में 110 करोड़ लोग रहते हैं लगभग इस समय, और हमारा जो कुल क्षेत्रफल है उससे दो गुना ज्यादा क्षेत्रफल अमरीका के पास है। अमेरिका का क्षेत्रफल पूरे देश का हमारे भारत से लगभग दो गुना ज्यादा है, और अमेरिका में मात्र 30 करोड़ लोग रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में अभी भी 30 करोड़ लोग और रह सके इसकी गुंजाइश है। तो क्यों नहीं अमेरिका की सरकार अपने सारे दरवाजे खोलकर दुनिया के देशों से कहती है कि तुम हमारी पूंजी लो और अपने श्रमिक हमें दो, तो भारत से 30 करोड़ श्रमिक हम अमेरिका भेज दें, हम भी थोड़े बैलेंस हो जाएं, वो भी थोड़े बैलेंस हो जाएं। लेकिन अमेरिका 30 करोड़ तो छोड़ दो, 3000 लेने को तैयार नहीं। अमेरिका से भी ज्यादा क्षेत्रफल कनाडा देश का है, कनाडा का क्षेत्रफल तो अमेरिका से भी ज्यादा है, भारत से तो लगभग 3 गुने से ज्यादा है कनाडा, और आबादी उनकी बहुत कम है। आप जानते हैं कि कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ से भी कम है, तो 3 करोड़ की आबादी है और भारत से 3 गुना क्षेत्रफल है। हम भारत के 110 करोड़ लोग जितने क्षेत्रफल में रहते हैं, कनाडा में 330 करोड़ लोग रह सकते हैं, तो क्यों नहीं कनाडा की सरकार अपने सारे दरवाजे खोलकर भारत और भारत जैसे श्रमिकों को क्यों नहीं आमंत्रित करती। कनाडा के आगे चले, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भी भारत से 2.5 गुना ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी मात्र 2 करोड़ है और हमारी कुल आबादी 110 करोड़ है। माने जितनी क्षेत्रफल में 110 करोड़ लोग रहते हैं, उतने क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया में 250 करोड़ लोग रह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलती भारत के सभी श्रमिकों के लिए कि आप आओ हमारे यहाँ बस जाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, संसाधन भी बहुत है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूंजी भारत में आ रही है, तो भारत का अतिरिक्त श्रम ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और एक उदाहरण देता हूं, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक में एक देश है न्यूजीलैंड, उसका भी क्षेत्रफल भारत से जा रहा है, और सौभाग्य विभाग जो भी है वहां रहने वाले लगभग 1 करोड़ के आसपास है, 1.25 करोड़ है। तो क्यों नहीं न्यूजीलैंड की सरकार ये कहती है कि आप आओ, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, हमारे पास पूंजी ज्यादा है, आपके पास श्रम ज्यादा है, आप अपने श्रमिकों को न्यूजीलैंड भेज दो, हम उनको खपा लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं और बहुत जमीन भी है। और ये जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ऐसे दुनिया में 145 देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, और ये 145 देश 1-1 करोड़ के आसपास की जनसंख्या में रहते हैं, और भारत और चीन जैसे जो देश, दो देश जहां की कुल जनसंख्या लगभग 250 करोड़ के आसपास है, वो इनसे कम क्षेत्रफल में रहते हैं। तो चीन और भारत के पास श्रम बहुत है, एशिया के पास श्रम बहुत है, तो एशिया के श्रमिकों के लिए यूरोप और अमेरिका के दरवाजे खुले, तो हम उनकी पूंजी के लिए अपना दरवाजा खोलें, तब तो बात बनती है ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जिसको हम ईमानदारी से कहें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जो हो रहा है पिछले 12-15 वर्षों से वो ये कि भारत के श्रमिक और चीन के श्रमिक, बांग्लादेश के श्रमिक या पाकिस्तान के श्रमिक यूरोप के देशों में घुस नहीं सकते, इतने कठोर वीजा के कानून पिछले 10-12 वर्षों में बनाए गए हैं। और ना सिर्फ कठोर कानून बनाए गए हैं बल्कि बेईमानी भी शुरू की गई है। बेईमानी क्या शुरू की गई है, मैंने आपसे कहा कि 50 लाख हिंदुस्तानी हर साल अमेरिका के लिए वीजा एप्लीकेशन देते हैं, उनमें से 45 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि वीजा एप्लीकेशन करते समय फीस देनी पड़ती है, और औसतन फीस अगर आप $500 मान लें
क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के वीजा हैं और अलग अलग तरह की फीस है। तो हम सामान्य रूप से माने कि $500 की फीस एक एप्लीकेशन के साथ हमको देनी है, तो 50 लाख एप्लीकेशन में $500 का मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो आप कल्पना करें कि हम हजारों लाखों करोड़ों डॉलर वीजा एप्लीकेशन फीस के साथ दे रहे हैं, तो जब वीजा हमारा रिजेक्ट किया जा रहा है तो ईमानदारी के साथ हमारी फीस वापस होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की कोई भी एम्बेसी हमारी वीजा फीस को वापस नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की सभी एम्बेसियां पूरी बेईमानी के साथ इस देश को लूटने में लगी हुई है। ईमानदारी तो यह है कि अगर आप हमारा वीजा नहीं दे सकते तो फीस वापस कर दो और कह दो कि भाई आप अमेरिका जाने के लायक नहीं है, लेकिन हमारी फीस भी नहीं देते, पैसा भी रख लेते हैं, अपमान करके हमको एम्बेसी से निकाल भी दिया जाता है, फिर भी हम वहां लाइन लगा के खड़े रहते हैं। मैंने बहुत दुखद दृश्य मेरी आंखों से बार बार देखा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में भारत के लोग गुलामों की तरह से अमेरिका एम्बेसी में वीजा के लिए लाइन लगाते हैं जैसे भेड़ बकरियां लाइन लगाती हैं, और उनके साथ इतनी बदतमीजी और इतने अपमान का व्यवहार किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेना वहां ज्यादा सम्मानजनक होता है। हर क्षण अपमान करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और बहुत ही बदतमीजी के साथ आपसे सवाल किए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही अपमान नहीं करते हैं, आप गलती से वीजा पा गए और अमेरिका के हवाई अड्डे पर पहुंच गए तो आपके कपड़े उतार सकते हैं और पूरे के पूरे उतार सकते हैं। और ये कोई साधारण आदमी के साथ होता हो तो हम चलो मान लेते हैं, लेकिन ये हमारे रक्षा मंत्रियों के साथ होता है, मुख्यमंत्रियों के साथ होता है। अभी थोड़े दिन पहले आप जानते हैं कि इस भारत देश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर अमेरिका प्रवास पे गए और हवाई अड्डे पर सारे कपड़े उतरवा लिए, और श्री बाबूलाल गौर कहते हैं खुद कि मैं सिर्फ अंडरवियर पहने हुए था, बाकी सब उतारना पड़ा। इसी तरह से हमारे देश के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज जब भारत के रक्षा मंत्री की हैसियत से अमेरिका गए तो उनके सारे कपड़े उतार दिए, सिर्फ अंडरवियर पहने रह गए। तो भारत के रक्षा मंत्री का, भारत के मुख्यमंत्री का किसी भी हवाई अड्डे पर कपड़े का उतार दिया जाना, ये इस बात को बताता है कि उनकी जो मानसिकता है हमारे प्रति गुलामी वाली, वो अभी गई नहीं है, वो हमको अभी भी गुलाम मानते हैं। तो फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे हो सकता है? जो भी कुछ हो रहा है वो अमेरिकनाइजेशन ही हो रहा है। वहां से तो सब कुछ यहां आए, वहां की कंपनियां यहां आए, वहां की सेवा करने वाली संस्था यहां आए, वहां के विशेषज्ञ यहां आए, डॉक्टर्स आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए, इंजीनियर्स आए, वहां के एडवोकेट्स भारत में आए, सब कुछ वहां का यहां आए, वहां की दाल आए, चावल आए, चना आए, मटर आए, वहां की सब्जियां आए, सब कुछ यहां से कुछ ना जाए वहां, वहां की संस्कृति आए, वहां की सभ्यता आए, वहां की परंपरा आए, सब कुछ आए, यहां से कुछ ना जाए वहां, तो ये तो कुछ ग्लोबलाइजेशन नहीं है और ये तो कुछ लिबरलाइजेशन भी नहीं है। और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के सही शब्दों को अगर अर्थ करना सीखें, उदारीकरण और वैश्वीकरण की सही परिभाषा करना सीखें, तो हमारे यहां संस्कृति में बहुत विस्तार पूर्वक कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया आपके लिए परिवार जैसी है, माने दुनिया के साथ आप परिवार जैसा व्यवहार करें। तो परिवार में जिस तरह का व्यवहार होता है वैसा आप दुनिया के साथ करें, ये भारतीयता और भारतीय परंपरा या भारतीय मान्यता में है। लेकिन वो व्यवहार कैसे करें, वो तो परिवार मानते नहीं है, वो तो मानते हैं कि आप गुलाम हैं, पहले भी थे आज भी हैं, और आपकी गर्ज है जो आप अमेरिका आने के लिए वीजा एप्लीकेशन लगाते हैं, अमेरिका सरकार की कोई गर्ज नहीं है आपको बुलाने की। तो ये तो एक तरफा मामला है, ये तो दो तरफा है नहीं। तो एक तरफा मामले में तो ना तो लिबरलाइजेशन होता है, उदारीकरण होता है, ना तो वैश्वीकरण होता है, उसमें जो होता है वो करण वो होता है जिस देश से सब कुछ आ रहा है और यहां से कुछ नहीं जा पा रहा है।
यहाँ से कुछ भी हम भेजें, जैसे हम अंगूर भेजें, आम भेजें, टमाटर भेजें, गाजर भेजें, मूली भेजें, तो वहां से रिजेक्ट हो जाता है और वो आरोप ये लगाते हैं कि आपने इसमें बहुत यूरिया, बहुत डीएपी, बहुत सुपर फॉस्फेट मिला दिया, बहुत सारा पेस्टिसाइड मिला दिया, अब ये जहर हो गया है, तो भारत का तो हम ये नहीं ले सकते। लेकिन वहां का कोई भी जहर यहाँ बिक सकता है, पेप्सी कोला बिक सकता है, कोका कोला बिक सकता है, पिज्जा बिक सकता है, बर्गर बिक सकता है, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग बिक सकता है। हमारे देश की कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने पेप्सी कोक को जहर घोषित किया है, फिर भी बिक सकता है। तो वहां का कुछ भी बिके, यहाँ का अंगूर भी अमेरिका में ना बिक सके, आम भी ना बिक सके, गाजर, टमाटर, मूली भी ना बिक सके। तो ये सारा मामला जो है ना, ना तो वैश्वीकरण का है, ना उदारीकरण का है, ये सारा अमरीकीकरण का है। और इस अमरीकीकरण को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने और हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री ने, दोनों ने अलग अलग समय पर बिल्कुल ठप्पा लगा के सिद्ध कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में भारत का गुलामीकरण ही है। मैं आपको इसका एक ठोस उदाहरण देता हूं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 जुलाई 2005 को लंदन गए। लंदन में एक बड़ी विश्वविद्यालय है, उसको ऑक्सफोर्ड कहते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, ऐसा वो बड़े गर्व से कहते हैं, ठीक है। अब वो जो ऑक्सफोर्ड ने उनको एक डॉक्टरेट का डिग्री दिया, एक तो वो पहले ले चुके हैं पीएचडी करते हुए, अभी एक दूसरा डॉक्टरेट उनको दिया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सम्मान के रूप में। तो उस डिग्री को लेने के लिए वो गए और वहां जो कार्यक्रम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें उनके साथ मंच पर ब्रिटेन की महारानी भी थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे टोनी ब्लेयर, और ब्रिटेन की सरकार के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे। महारानी का जैसा आप जानते हैं ब्रिटेन में आज भी राजा के जैसा ही रुतबा है, उनका जो कुर्सी होता है वो सबसे ऊंचा बनाया जाता है, बाकी सबका कुर्सी उससे नीचा रहता है। तो मनमोहन सिंह और टोनी ब्लेयर का कुर्सी नीचा था, रानी का कुर्सी ऊंचा था, तो थोड़े ऊंचाई के पोडियम पर वो बैठी हुई थी, पेडेस्ट्रल पे। मनमोहन सिंह साहब ने 44 मिनट वहां भाषण दिया और उसकी रिकॉर्डिंग बीबीसी ने किया, और बीबीसी ने ब्रिटेन में तो उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद हिंदुस्तान में भी हमें वो देखने को मिल गया। 2-3 दिन के बाद उन्होंने यहां भी दिखा दिया। वो भाषण मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गया। मनमोहन सिंह ने अपने 44 मिनट के पूरे भाषण में जो कुछ कहा वो किसी भी स्वाभिमानी भारतीय के लिए शर्म से डूब मरने जैसा है। उन्होंने कहा कि हम भारतवासियों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया अपने देश में से। ये उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वक्तव्य है कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया। तो क्यों हो गई ये गलती? तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों की सभ्यता ने तो हमको बहुत कुछ सिखाया है, अंग्रेजों की संस्कृति से तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, अंग्रेजी शिक्षा से तो हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है, अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी ने तो हमें बहुत ऊंचा उठाया है। हम तो भारतवासी अंग्रेजों के आने के पहले अंधकार युग में रहते थे, अंग्रेजों ने हमको प्रकाश में लाया। तो इसलिए अंग्रेजों की सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, और उसके भी आगे जाकर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था न होती तो हमको तो मालूम नहीं था न्याय कैसा होता है, जो अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं होती तो हम तो दुनिया के ज्ञान से बिल्कुल वंचित थे, हमको तो ज्ञान भी नहीं होता। इतनी बातें 44 मिनट में वो बोल गए। उनका जो पहला ही वाक्य है, अगर हम उसको ठीक से समझने की कोशिश करें कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंग्रेजों को भगाने वाले जितने भी भारतीय थे वो सब मनमोहन सिंह की नजर में गलत है, अर्थात महात्मा गांधी गलत हैं, भगत सिंह गलत हैं, ऊधम सिंह गलत हैं, चंद्रशेखर आजाद गलत हैं, तात्या टोपे गलत हैं, झांसी की रानी गलत है, कित्तूर चिनम्मा गलत है। भारत में 6,40,000 क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना बलिदान किया, उन सबका अपमान मनमोहन सिंह ने एक वाक्य में कर दिया कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया। नहीं भगाते तो
शायद और अच्छा होता भारत, जो आज का भारत है ये और अच्छा होता। और अच्छा होता माने मनमोहन सिंह की नजरों में भारत और 1947 से 2005 तक अंग्रेजों का ही गुलाम रहता, हमारी नजरों में गुलाम रहता, मनमोहन सिंह की नजरों में विकास करता हुआ एक देश होता। क्योंकि विकास करना तो हमने अंग्रेजों से ही सीखा, ये मनमोहन सिंह की पक्की मान्यता है। ये उसको वो ऐतिहासिक संदर्भ में तो नहीं लेकिन अर्थशास्त्र के रूप में वो सिद्ध करते हैं अपने सभी व्याख्यानों में, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, करते भी हैं। अभी भारत में शायद मनमोहन सिंह से ज्यादा अंग्रेजियत वाला दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसको आप टॉर्च लेके ढूंढो, जो इतना पक्का अंग्रेज होगा। अंग्रेज भी सोचेंगे तो अपने पर शर्म करेंगे कि हमसे ज्यादा पक्का अंग्रेज तो ये है जो भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए ये सब करता है। अच्छा, 44 मिनट का भाषण बोल देने के बाद जब उनको डिग्री दी गई तो उसके एक कदम आगे जाकर उन्होंने क्या किया, मैंने आपको कहा ना कि विक्टोरिया जो उनकी रानी है वो बैठी हुई थी, उसका मंच थोड़ा ऊंचा था, तो मनमोहन सिंह उसके पास गए, लिटरली घुटनों के बल उसके सामने बैठे और वो कागज हाथ में लिए हुए, जैसे हम किसी भगवान के सामने घुटने में बैठकर वो जो प्रणाम करते हैं ना, मनमोहन सिंह ने ठीक उसी अदा में, स्टाइल में विक्टोरिया को प्रणाम किया, घुटनों पे बैठकर, आगे झुककर। इतनी गुलामी अभी तक भारत में है प्रधानमंत्री स्तर के नेता में। अगले दिन लंदन के बहुत सारे अखबारों में बहुत कुछ छपा और एक अखबार ने तो सीमा तोड़ कर लिखा कि अभी हमें सोचना पड़ेगा कि भारत आजाद हो गया है हमारी गुलामी से। एक अखबार ने लिखा कि अगर मनमोहन सिंह एक व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड आए, लंदन आए और उनको कोई डॉक्टरेट दी जाए और उसको वो स्वीकार करें और रानी के चरणों में बैठकर प्रणाम करें तो वो सामान्य है, सामान्य व्यक्ति के रूप में, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो आए हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भारत स्वतंत्र हो गया है। ये जो मानसिकता है, ये मनमोहन सिंह तो मैंने एक निमित्त रूप में नाम लिया है, आपको समझ में आ जाए जल्दी क्योंकि ये तत्काल की घटना है, लेकिन ये घटना सिर्फ एक मनमोहन सिंह के साथ नहीं है, ये भारत के उन सभी नेताओं के साथ है जो पश्चिम को, विशेष रूप से यूरोप को अपना दिशा निर्देशक मानते हैं, निर्देशक मानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ अच्छा होगा वो पश्चिम से ही होगा, यूरोप से ही होगा, अमेरिका से ही होगा। इस तरह की बात जो मनमोहन सिंह ने अभी की है ये कोई असामान्य नहीं है भारत में, क्योंकि पिछले आजादी के लगभग 60 वर्षों में कई प्रधानमंत्रियों के मुंह से हमने इस तरह की बातें सुनी है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बार बार संसद में कह रहे हैं कि भारत को यूरोप जैसा बनाना है, उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे, बनाना है यूरोप के जैसा, और इसको उन्होंने 1953 में स्वीकार किया है। उनकी एक चिट्ठी है जो कनाडा के प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखी है और उस पर उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि मेरे और महात्मा गांधी के बहुत बड़े वैचारिक मतभेद हैं भारत के विकास को लेकर। गांधी जी चाहते रहे हैं कि भारत स्वदेशी और स्वावलंबन के रास्ते पर जाए, मैं चाहता हूं कि भारत यूरोप जैसा बने, इसमें हमारे उनके बहुत मतभेद हैं, वो कनाडा के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे पत्र में तो वो वहां तक कह गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का दिमाग खराब हो गया। ये शब्द हैं जो पंडित नेहरू ने लिखे हैं गांधी जी के प्रति। और पत्र की अंतिम वाक्य तो उनकी इतनी खराब है, वो कहते हैं कि ये खूसट बुढ़ा, जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये खूसट बुढ़ा जितनी जल्दी चला गया हमारे लिए उतना अच्छा। माने नेहरू जी को इस बात का कोई गम नहीं है कि गांधी जी जल्दी चले गए, 1948 में ही मर गए। वो पत्र की फोटोकॉपी मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया पत्र 1953 में 22 जुलाई की तारीख है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने गलती से कहे या
जानबूझकर कहें, उस पत्र को अपनी ऑटोबायोग्राफी में अभी छाप दिया है और वो थोड़े दिन में भारत में किताब बन के आएगा, तो उसपे बवाल होने वाला है और जवाब देना पड़ेगा। तो नेहरू जी खुद मानते हैं कि मेरे गांधी जी से मतभेद है विकास के सवाल पर। और बाद में नेहरू जी का जो भारत की संसद में अलग अलग समय पर दिए गए वक्तव्य हैं, जैसे उन्होंने एक बार बहुत लंबा भाषण दिया है भारत की संसद में गाय के वध को रोकने के प्रश्न पर, गोवध रोकने के प्रश्न पर, तब लंबे भाषण में उन्होंने कहा है कि आजादी के पूर्व मैंने कहा था कि गाय हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आजादी के बाद वो हो ही जानी चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं संसद के सभी सांसदों को विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि ये गोवध को रोकने के लिए जो कानून बनने जा रहा है इसको वो पास ना होने दें, अगर ये पास हुआ तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उनसे जब बात की जा रही है कि आपको क्या तकलीफ है भारत की गाय की रक्षा हो, इसमें आप क्यों परेशान हैं, तो नेहरू जी कहते हैं कि ये विश्व के लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, दुनिया हंसेगी कि हम गाय बचाने में लगे हुए हैं, दुनिया हंसेगी माने यूरोप हंसेगा हमारे ऊपर कि हम गाय बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यूरोप में तो गाय को काट के ही खाया जाता है, दूध के लिए गाय को यूरोप में पाला नहीं जाता है। ये ठीक है कि वो दूध दे देती है तो वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मुख्य तो गाय का मांस है। तो दुनिया के यूरोप और अमेरिका के लोग तो हंसेंगे और हमको तो यूरोप जैसा ही होना है, तो गो हत्या क्यों बंद होनी चाहिए भारत में। तो ये एक विचार है। ये मैंने तुलना इसलिए की है कि ये मनमोहन सिंह महोदय ने जो कुछ बोल दिया है वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत में पिछले 60 साल से ये बोला जा रहा है। अगर नेहरू जी ये बोल सकते हैं तो मनमोहन सिंह के बोलने में क्या तकलीफ है। और आप कहेंगे जी ये नेहरू जी और मनमोहन सिंह तक सीमित है, तो ये ऐसा नहीं है। भारत में पिछले 60 वर्षों में जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से 2-3 को छोड़कर लगभग सभी इसी विचार के हैं, मानसिकता के हैं। और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पिछले 60 वर्षों में भारत की योजना बनाने वाले जो बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं या योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, वो तो इससे भी ज्यादा बड़ी मानसिकता वाले हैं। जैसे वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन मुख्य काम उपाध्यक्ष करता है, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया इस समय उपाध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि नेहरू जी जितनी तीव्रता से भारत को यूरोप बना सकते थे उससे ज्यादा मैं चाहता हूं कि और ज्यादा तेजी से भारत यूरोप बने। तो वर्तमान में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष हों या प्रधानमंत्री हों या प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में चिदंबरम जो वित्त मंत्री हैं, ये तो 1996 में जब लंदन थे 24 अक्टूबर को, तो इन्होंने इंग्लैंड की बहुत सारी कंपनियों के अधिकारियों के सामने कहा था, वो रिकॉर्ड पर है, कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों को बुलाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दरवाजा खोला, तो अब फिर से हम दरवाजा खोलना चाहते हैं, आप आइए और भारत को लेके जाइए, हम प्लेट में रख के भेंट करते हैं आपको। तो इस तरह की जो मानसिकता है इसमें व्यक्ति महत्व का नहीं है, विचार महत्व का है। वो मनमोहन सिंह ये कहते हैं, चिदंबरम ये कहते हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये कहे, या कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहे, या कभी कोई एक्स वाई जेड और कहे, व्यक्ति का महत्व इसमें नहीं है। विचार क्या है वो समझने की है, और विचार बहुत ताकत के साथ भारत के सत्ता वर्ग में ये बैठा हुआ है कि यूरोप जैसा ही होना अंतिम लक्ष्य है हमारा, अमेरिका जैसा ही होना अंतिम लक्ष्य है हमारा। मेरे मन में पिछले 10-12-15 वर्षों से ये विषय बहुत तेजी से घूमता रहा है कि अगर हमारी सत्ता व्यवस्था और प्रतिष्ठान के मन में ये पक्का बैठ गया है कि भारत को यूरोप और अमेरिका जैसा ही होना है, तो समझ लें कि यूरोप और अमेरिका क्या है। क्योंकि आप जब किसी के जैसा होना चाहते हैं और बिना समझ के होएंगे तो शायद इसमें कष्ट ज्यादा आएगा, समझ के साथ होएंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। तो मैंने सोचना शुरू किया कि जिस यूरोप और अमेरिका जैसा
होना नेहरू जी चाहते रहे हैं, आज के मनमोहन सिंह चाहते हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया चाहते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे राजनेता होंगे जो भारत की संसद में अलग अलग समय पर बोलते रहे हैं, अनेक अनेक दूसरी पार्टियों में हैं, बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो भारत को अंग्रेज और यूरोप जैसा ही देखना चाहते हैं अपने तरीके से, कांग्रेस में ऐसे बहुत हैं, और अब जनता दल में भी ऐसे बहुत हैं, समाजवादी पार्टी में भी बहुत हैं, और अब तो कम्युनिस्टों के बीच में भी एक ही लॉबी है, वो ये कहती है कि भारत को होना तो यूरोप और अमेरिका की ही तरह से है, लेकिन मार्क्सवाद के रास्ते पर, साम्यवाद के रास्ते पर होना तो आपको वैसा ही है, लेकिन मार्क्सिज्म से होकर, साम्यवाद से होकर आप वहां तक जाइए, और दूसरी जो लॉबी है वो ये कहती है कि कैपिटलिज्म के रास्ते से वहां तक जाइए। तो या तो आपको पूंजीवाद से होते हुए यूरोप और अमेरिका तक जाना है, या मार्क्सवाद से होते हुए यूरोप और अमेरिका तक जाना है, लक्ष्य वही है, रास्ते अलग अलग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में एक विचार आया कि ये गांधी जी क्या कहते हैं यूरोप और अमेरिका के बारे में, जिसको नेहरू जी खूसट बुड्ढा कहते हैं, गांधी जी के मन में क्या है। तो गांधी जी की लिखी हुई सबसे पहली एक किताब मैंने पढ़ी जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज, बहुत पतली सी पुस्तक है, और मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सब पढ़ें तो बहुत अच्छा है, तो उनके बारे में बहुत सारी जो गलत फहमियां समाज में है वो दूर हो जाए शायद। उस पुस्तक में गांधी जी लिख रहे हैं कि ये यूरोप और अमेरिका की जो सभ्यता है ये तो बिल्कुल शैतानी सभ्यता है, शैतान शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। और गांधी जी के सामने बहुत बार उस पुस्तक को रखकर पंडित नेहरू ने और भारत के कई नेताओं ने आपत्ति उठाई है कि आपने इतना कड़ा शब्द क्यों लिखा है कि ये शैतानी सभ्यता है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये बहुत समझ बूझ कर लिखा है, भावनात्मक आवेश में आकर नहीं लिखा है, मैंने इस यूरोप और अमेरिका की सभ्यता को समझने में अपने जीवन के उस दिन से, जिस दिन से मैं लंदन आया, गांधी जी जब लंदन गए हैं पढ़ाई करने के लिए और वापस आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस पूरे समय को मैंने इस सभ्यता को समझने में ही लगाया है, और मेरी जो समझ बनी है इस सभ्यता के बारे में वो ऐसी ही है कि ये शैतानी सभ्यता है। भारत में कभी किसी पुराने काल में कोई राक्षसी सभ्यता होती होगी, ये उससे भी नीचे गिरी हुई है। इतने कड़े शब्दों में वो कह रहे हैं। इससे भी ज्यादा कड़े शब्दों में गांधी जी ने एक और टिप्पणी की है जो दर्ज है, जिसको उन्होंने आज तक वापस नहीं लिया अपने मरने के पहले तक। वो टिप्पणी ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र जो हमने इंग्लैंड से उधार ले लिया है या इंग्लैंड ने जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया है, ये तो किसी वैश्यावृत्ति से भी नीचे गिरा हुआ है। गांधी जी कहते हैं कि वैश्यावृत्ति करना संसदीय लोकतंत्र में जाने से बेहतर है। इतने कड़े शब्द हैं उनके। और भारत की संसद उस समय बन रही है जब गांधी जी आए हैं, 1914 में भारत आए हैं तो संसद का ये निर्माण कार्य चल रहा है जो वर्तमान में आपको दिखाई देता है, और 1925 में ये संसद बनकर पूरी हुई है और इसमें से बैठकें होना शुरू हुई हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये तो हमने एक बांझ को खड़ा कर दिया है जिसमें फर्टिलिटी नहीं है। तो गांधी जी को कोई पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस संसद में से जिसको हमने खड़ा कर दिया है ढांचा, भारत के लिए कुछ भी शुभ निकलेगा नहीं, इसमें से जो निकलेगा वो अशुभ ही होगा। और ये बात गांधी जी जो 1914-15 में कह गए हैं, सन 2005 में सिद्ध हो गई है। अब इसमें सिद्ध होने के लिए और बहुत प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। प्रोस्टिट्यूशन बोल दिया संसदीय लोकतंत्र को, और यूरोपियन अमेरिकन सिविलाइजेशन को बोल दिया कि ये शैतानी सभ्यता है, शैतान की सभ्यता, राक्षसों की सभ्यता भी इससे कुछ अच्छी हो सकती है, ये उससे भी गिरी हुई है। गांधी जी की यही एक पुस्तक पढ़कर मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा पैदा हुई कि गांधी जी ने जिस यूरोपीय सभ्यता के बारे में ये शब्द इस्तेमाल किया और जिसको उन्होंने समझ लिया 14-15 साल में, इसको हम भी समझें। तो पहले मैं ढूंढता रहा कि गांधी जी ने यूरोपियन सभ्यता के बारे में कहां कहां क्या क्या लिखा है,
लेकिन गांधी जी ने अपने एक पत्र में लिखा है, मीरा बहन जो गांधी जी की एक सहयोगी थी, मैडलिन स्लेड उनका मूल नाम था, आयरिश लेडी थी, गांधी जी के साथ आकर उन्होंने बहुत दिन काम किया, तो उनको बहुत सारे पत्र उन्होंने लिखे हैं। तो उसमें एक पत्र है जिसमें वो कहते हैं कि देखो, मुझे कभी समय मिला, फुर्सत हुई तो विस्तार के साथ मैं पश्चिमी सभ्यता के बारे में लिखूंगा, तुमको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो मीरा बहन कह रही है कि बापू, उस सभ्यता से परेशान होकर तो मैं आपके पास आई हूं, मुझे क्या आपत्ति होगी। मुझे तो खुशी होगी कि भारत के लोग उसको खुलकर देख और समझ लेंगे, जो अंधे होकर उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसको छोड़कर मैं आपके पास आई। लेकिन ये पत्र पत्र ही रह गया, गांधी जी को शायद समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली और वो लिख नहीं पाए। यूरोपीय और पर्व पश्चिमी सभ्यता के बारे में ज्यादा वो कुछ कह नहीं पाए, सिर्फ संकेत भर कुछ उन्होंने कर दिए। बाद में मैंने ढूंढना शुरू किया कि गांधी जी के जो समकालीन हैं, देखो किसी ने कुछ लिखा हो यूरोपीय सभ्यता के बारे में। तो गांधी जी के जो समकालीन हैं और कुछ अच्छे लेखक इस देश में माने जाते हैं, उनमें से दो तीन ने कोशिश किया, लेकिन वो भी भरपूर तरीके से नहीं लिखा, संकेत मात्र है। जैसे एक जैनेन्द्र कुमार जैन बड़े हिंदी के लेखक हुए, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, पश्चिमी सभ्यता के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। अभी थोड़े दिन पहले हिंदी के एक बड़े लेखक का स्वर्गवास हुआ, श्री निर्मल वर्मा, उन्होंने थोड़ी कोशिश की है और पश्चिमी सभ्यता को गांधी जी की दृष्टि से देखने की, लिखने की। लेकिन श्री निर्मल वर्मा ने पश्चिमी सभ्यता के बारे में दो तीन फुटकर लेख लिखे हैं, कोई बड़ा पुस्तक नहीं लिख पाए। ऐसे हमारे देश में कुछ और भी हिंदी के लेखक हुए, कुछ कन्नड़ के हैं, तमिल तेलुगु में है। तेलुगु के एक बड़े लेखक हैं शास्त्री, वासुदेव शास्त्री करके, जो नारायण ये पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में कुछ समय तक उनके सलाहकार में थे, वो भी कुछ लिख कर गए हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा गांधी जी चाहते। मैंने बहुत ढूंढा भारत में, ज्यादा कुछ नहीं मिला। तो मैंने फिर सोचा कि अब कहां से लें, तो मेरे मन में आया कि जिन्होंने ये पश्चिम की सभ्यता बनाई है उन्हीं से क्यों ना लें, डायरेक्ट उन्हीं से लें। भारत का कोई लेखक कुछ लिखता है उसके बारे में, उससे अच्छा ये है कि पश्चिम के लेखकों ने अपनी सभ्यता के बारे में जो लिखा है उसी को इकट्ठा करें। आप जानते हैं कि ये पूरी की पूरी पश्चिमी सभ्यता या यूरोपियन सभ्यता या अमरीकी सभ्यता, जो भी नाम ले, इसका सबसे बड़ा अथॉरिटी अगर कोई माना जाता है पूरी दुनिया में, वो है प्लेटो। प्लेटो के बारे में दुनिया के सभी दार्शनिक एक वाक्य कहते हैं और वो बहुत महत्व का है, बहुत महत्व का है। वो वाक्य है, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो, माने पूरी की पूरी यूरोपियन सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता प्लेटो के फुट नोट के जैसी है। फुटनोट तो आप समझते हैं, किताब के नीचे जो कुछ आपने लिख दिया है, इसका मायने ये है कि प्लेटो यूरोपियन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा अथॉरिटी है। मैंने प्लेटो को पढ़ना शुरू किया और प्लेटो की जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं बाजार में, हिंदी में हो या अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में, मैंने कोशिश की है कि उसको मैं जानूं, तो ज्यादातर अंग्रेजी में उपलब्ध है, मैंने वो सब पढ़ डाली। और प्लेटो की जो सबसे महान पुस्तक मानी जाती है रिपब्लिक, जिसके बारे में सारी दुनिया उसकी चर्चा करती है, उसको मैंने 8-10 बार पढ़ डाला रिपब्लिक। प्लेटो खुद कहता है कि ये जो रिपब्लिक है वो मेरी सबसे अच्छी कृति है। प्लेटो ने बहुत कुछ लिखा लेकिन रिपब्लिक के बारे में वो खुद कहता है कि ये मेरी सबसे अच्छी कृति है। सोक्रेटिस, सुकरात जो बहुत कुछ लिख गए अपनी सिविलाइजेशन के बारे में, उनका मैंने कुछ इकट्ठा किया। देकार्ते, बहुत बड़े दार्शनिक हैं यूरोप के, उनका बहुत कुछ इकट्ठा किया। लेविनिट्ज, बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, उनका इकट्ठा किया। रूसो, जो मॉडर्न फिलोसोफर्स में जिसकी सबसे बड़ी ऊंचाई है पूरे यूरोप में, रूसो, उनका लिखा हुआ सब इकट्ठा किया। और यूरोप की अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग समय पर उनकी सभ्यता के बारे में जो रिसर्चेस हुए हैं उनके पेपर्स भी इकट्ठे किए। सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है यूरोपियन सिविलाइजेशन पर तो फ्रेंच में हुई है, फ्रांस की जो यूनिवर्सिटी है
लियो में जो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय पेरिस यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम हुआ है यूरोपियन सिविलाइजेशन पर। वहां से कुछ पेपर्स इकट्ठे किए, उसके बाद थोड़ा बहुत लंदन में हुआ है, ऑक्सफोर्ड में काम हुआ है, वहां से इकट्ठे किए, और अमेरिका में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है हार्वर्ड, वहां से कुछ पेपर्स इकट्ठे किए। और इतने सारे पेपर्स इकट्ठा करके पिछले कई वर्षों से लगातार मैं पढ़ता रहा, समझता रहा, नोट्स लेता रहा और कुछ लिखता रहा। उन सबको समझकर और देखकर जो पता चला, तो बात बिल्कुल सही है जो गांधी जी बोल गए कि ये शैतानी सभ्यता है। गांधी जी जो बोल गए हैं, शायद वो कुछ कम बोल गए हैं, इतना सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये उससे भी ज्यादा आगे गिरी हुई सभ्यता है। इस सभ्यता के कुछ बिंदु मैं आपके सामने अभी लाना चाहता हूं। जिस यूरोपियन और अमेरिकन सिविलाइजेशन की तरफ हम अंधे होकर दौड़ रहे हैं, हमसे मतलब हमारी राज व्यवस्था, हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो अंधा होकर जो दौड़ रही है, और हमारे देश के जो राज्य चलाने वाले लोग हैं, उसको मैं समझना चाहता हूं कि इसमें बुराई क्या है, और कुछ अच्छाई है तो वो भी दिखाई दे। तो उस दृष्टि से मैंने थोड़ा तटस्थ होकर उनके यहां से कुछ इकट्ठा किया है। मेरे अपने 15 साल का जो अभ्यास क्रम है इस विषय का, वो ये बताता है कि किसी भी सभ्यता को अगर देखना हो, ठीक से समझना हो, तो उसकी प्राइवेट लाइफ आपको पता होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो सिविलाइजेशन होती है वो प्राइवेट लाइफ से शुरू होती है। निजी जीवन जो होता है आपका, वो आपकी सिविलाइजेशन को पूरी तरह से बताता है। जो सार्वजनिक जीवन है वो सिविलाइजेशन को कई बार नहीं बताता। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आप कई बार पाखंड कर रहे होते हैं, ढोंग कर रहे होते हैं, आप जो नहीं होते हैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सार्वजनिक जीवन तो बहुत विवादास्पद हो जाता है, निजी जीवन में विवाद नहीं होता, क्योंकि वहां जो है वो है। घर के अंदर आप जैसे हैं, वो आपका प्राइवेट लाइफ बता देता है कि आपकी सिविलाइजेशन कैसी है। तो यूरोपियन परिवार की या यूरोपियन समाज की, और यूरोपियन समाज में मैं जब भी कहूंगा तो अमेरिका शामिल है, तो यूरोपियन समाज की निजी जिंदगी को जानने की पिछले कुछ साल में कोशिश करता रहा। उसमें से जो तथ्य निकल कर आए हैं वो बहुत ऐसे हैं जो झकझोर देते हैं, कई बार स्वीकार नहीं होते, कई बार डाइजेस्ट नहीं होते हैं। मुझको ये सारे तथ्य डाइजेस्ट होने में बहुत साल लग गए, और मैं मेरे गुरु जिनका नाम है श्री धर्मपाल, जिन्होंने मुझे इस काम में बहुत बड़ी मदद की, उनके साथ इस विषय पर घंटों घंटों बहस करता रहा हूं पिछले 1997 से आज तक। तो वो ये कहते हैं कि तुमको क्या तकलीफ होती है ये सत्य को स्वीकार करने में जैसा वो है। मैंने कहा मुझे जो बताया गया है यूरोप के बारे में और अमेरिका के बारे में, वो इन तथ्यों से बिल्कुल उल्टा है। तो उन्होंने कहा कि सोच लो, जो तुम्हें बताया गया है वो गलत है और जो अभी तुम देख रहे हो वही सच है। तो मैं उनसे हमेशा ये पूछता रहा कि जिन लोगों ने मुझे ये बताया कि यूरोप ऐसा है, अमरीका ऐसा है, उन लोगों ने शायद इनको जानबूझ कर छुपा के रखा हमसे। तो उनका इसलिए कि उनको तुम्हें गुलाम बना के रखना था, तो अंग्रेजों ने अपने बारे में योग बताया वो थोड़ा अच्छा ही होगा, खराब क्यों बताएंगे, खराब तो तुमको खोजना पड़ेगा अगर उनका पूरा सत्य देखना है। तो वो जो कुछ दिखाई देता है वो गांधी जी के कहे से बिल्कुल मेल खाता है। अभी मैं यूरोपियन सभ्यता के बारे में आगे बढ़ूं, उससे पहले एक सत्य उनका आपके सामने उद्घाटित करूं, वो आप सब जानते हैं लेकिन ध्यान में लाने के लिए। यूरोप जो है वो एक खास तरह के वातावरण में रहने वाला इलाका है, खास तरह का वातावरण माने जहां ठंड बहुत होती है, तापमान बहुत बार -20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, कई बार -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दुनिया में माना जाता है कि 0 डिग्री तापमान जो है ना सबसे न्यूनतम है, लेकिन वो -20 उससे भी नीचे है, -40 और ज्यादा नीचे है। तो कई बार -20 -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए और वो दो दो तीन तीन महीने तक लगातार रहे, तो आप कल्पना करिए कि कैसा इलाका होगा, भयंकर ठंड वाला बर्फ वाला इलाका है। यूरोप में 23 देश तो ऐसे हैं जहां साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं आता, 23 देशों में तो सूर्य का प्रकाश 9 महीने तक जमीन पे नहीं आता।
परिणाम क्या होगा? जिन देशों में 9 महीने तक सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं आएगा, वहां की जमीन में घास का तिनका कैसे उगेगा? क्योंकि पूरा का पूरा जो साइंस है, बॉटनिकल और प्लांट वैरायटीज का जो साइंस है, वो तो ये कहता है कि बिना सूर्य के प्रकाश के जमीन से अंकुरण नहीं होता। बीज आप कितना भी डालो, लेकिन उसमें अंकुरण होने के लिए जो गर्मी चाहिए वो गर्मी सूर्य ही देता है। तो बीज तो आपने डाल दिया, लेकिन अंकुरण की ताकत तो सूर्य के प्रकाश में है। 9 महीने तक सूर्य का प्रकाश जिस क्षेत्र में नहीं आएगा, वहां 9 महीने तक तो जमीन में से कुछ नहीं उगेगा। तो यूरोप के 23 देशों में साल में 9 महीने जमीन में से कुछ उत्पादन नहीं होता, और 6 महीने तक तो बर्फ ही बर्फ रहती है, और बर्फ भी इतनी होती है कि उसको काट कर हटाना उनके जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। आज आप कनाडा चले जाइए इस समय, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, तो वहां की सरकारों की बहुत सारी संस्थाएं और प्रशासन बर्फ हटाने के काम में ही रात दिन लगा रहता है, ताकि सड़क को चलने लायक बनाया जा सके। और यूरोप में ज्यादातर घर जो होते हैं, वहां दरवाजे दो तरह के हैं, एक तो आपका फ्रंट डोर है और एक छत के ऊपर से है। कई बार बर्फ इतनी होती है कि सामने का दरवाजा बंद होता है सड़क वाला, तो छत के ऊपर के दरवाजे से जाना पड़ता है, ऐसा इलाका है। तो उससे मैं एक ही बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत ठंडी वाला इलाका है, बहुत सर्दी वाला इलाका है, ठंड सबसे ज्यादा होती है। गर्मी क्या होती है ये यूरोप के लोगों को अंदाजा नहीं है। कभी तापमान गर्मियों में 30 डिग्री के ऊपर चला जाए तो हाय तोबा हो जाती है। तो ऐसा एक क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है। ये अच्छा है खराब है मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि वो एक विशेष क्षेत्र है जो बहुत ठंडी में रहता है। तो एक कल्पना मेरे मन में आती है जो सच दिखाई देती है, लगातार लोग अगर ऐसे इलाके में रहते हैं तो शायद वो भी बर्फ जैसे ही ठंडे होते हों। सालों साल, सालों साल, सालों साल अगर आपको रहना पड़े, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई 10-20 साल का कहानी नहीं है, 2000, 2500, 3000 साल का कहानी। हर पीढ़ी को ऐसे ही वातावरण में अगर रहना पड़े तो शायद लोग भी वैसे होते हों। बर्फ जैसे ठंडा होने का मतलब है मानसिकता के स्तर पर, माने भावनात्मक कम होना, रागात्मक कम होना, सहृदयात्मक कम होना, क्योंकि ये तो सब गर्म देशों की निशानियां हैं। और बहुत बार मैं मेरे मन में एक प्रश्न उठाता रहता हूं कि ये यूरोप का पूरा इलाका है, एक भी किसी सभ्यता को जन्म नहीं दे पाया अपने के बाद, और एक भी धर्म को नहीं दे पाया अपने के बाद। उनका अपना धर्म जिसको आज वो मानते हैं वो भी एशिया से गया है, जिसको क्रिश्चियनिटी कहा जाता है, वो यूरोप में नहीं है। आप जानते हैं इजराइल है, इजराइल एशिया में है, और इजराइल उतना ही गर्म स्थान है जितने हम लोग हैं। हमारे यहाँ जिस तरह का वातावरण है लगभग उसी तरह का वहां है। अरब देशों में जिस तरह का वातावरण है लगभग इजराइल में वैसा ही है। तो सामान्य रूप से एशिया को गर्म माना जाता है। तो ये गर्म स्थान में से ही ईसाईयत निकली है, इसी गर्म स्थान में से इस्लाम निकला है, और इसी गर्म स्थान में से हिंदुइज्म निकला है या भारतीयता निकली है। क्या कारण है ठंडे इलाकों से कोई धर्म नहीं निकलता? शायद उनके ठंडेपन के कारण, क्योंकि ठंडे इलाकों के लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं वो गर्म इलाके के लोगों से बिल्कुल अलग होंगी। आप जरा सोचें, अगर मान लीजिए लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बहुत बर्फ के क्षेत्र में रहना है, तो आपकी प्राथमिकताएं तो बिल्कुल अलग होने वाली हैं उन लोगों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी गर्म इलाकों में रहते हैं। तुलनात्मक रूप से प्राथमिकताएं तो अलग होने वाली, तो प्राथमिकताओं के अलग होने से शायद और दूसरी चीजें भी आती होंगी। अगर हमारी प्राथमिकता है तो उसमें से हम अपनी तरह की दुनिया बनाएंगे। सारी दुनिया प्राथमिकता के हिसाब से बनती है। हमारे घर की कुछ प्राथमिकताएं हैं, उसके हिसाब से हम हमारा घर बनाते हैं। दूसरे के घर की प्राथमिकताएं कुछ अलग है, उसके हिसाब से वो अपना घर बनाता है। दो घरों की प्राथमिकताएं कभी एक जैसी नहीं होती, तो दो घरों की वास्तु और रचना भी एक जैसी नहीं होती।
दो घरों की रसोईयां भी एक जैसी नहीं होती। किसी घर की रसोई में कुछ खास तरह की चीज है, दूसरे में कुछ खास तरह की चीज है, वो सब प्राथमिकताओं का किस्सा है। तो यूरोप के लोगों की प्राथमिकताएं शायद सबसे ज्यादा ये होती होंगी, इस बर्फ से बचना, इस ठंड से बचना, किसी तरह अपने को जिंदा बनाकर रखना, किसी भी तरह अपने को जिंदा बनाकर रखना, ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती होगी। इसलिए उनको हर समय, हर क्षण, हर स्थान पर एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है। हमको नहीं है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में ठंड से लगातार बचना शामिल नहीं है, तो शायद नहीं है। आप जानते हैं यूरोप के सभी मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अमेरिका के सभी मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उनकी पब्लिक बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग, सभी सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली कूल्ड होती है। अब इसको लेकर अगर हम कोई अपनी ओपिनियन बनाते हैं, साहब देखो ये कितने ऊंचे लोग हैं, कितने हमसे आगे लोग हैं, जो सब कुछ इन्होंने सेंट्रली कूल्ड और सेंट्रली हीटेड बना रखा है, तो ये हमारी मूर्खता है, उनकी नहीं है, क्योंकि वो उनकी प्राथमिकता का हिस्सा है। उनको जिंदा रखना है अपने आप को, तो गाड़ियों को भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा, सेंट्रली कूल्ड और सेंट्रली हीटेड। कई बार हम यूरोप के अखबारों में पढ़ते हैं, अमेरिका के अखबारों में पढ़ते हैं, और इस तरह की बहुत खबरें आती हैं कि इतनी बर्फ गिरती है, गाड़ी चल नहीं सकती है, तो गाड़ी को अंदर से स्टार्ट करके हीट करके बैठना पड़ता है, घंटों घंटों तक इंतजार करने के लिए कि मौसम साफ हो तो हम 1 किलोमीटर आगे बढ़ें। अब हम इसको एक विशेषता के रूप में जब प्रचारित करना शुरू करें, अरे साहब यूरोप की तो सभी कारें सेंट्रली हीटेड होती हैं, तो वो हमारी मूर्खता है, उनकी वो विवशता है, उनके लिए वो आवश्यकता है, उनके लिए वो प्राथमिकता है, उनकी वो प्रायोरिटी है। अब अगर वही प्रायोरिटी को हम नकल करना शुरू करें, जिस इलाके में साल में 9 महीने क्या 12 महीने भयंकर सूर्य के दर्शन होते हों, गर्मी पड़ती हो, धूप मिलती हो, अगर हम भी वैसी नकल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे ऊपर हंसेंगे ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, कि क्या मूर्ख लोग हैं, ये अपने हिंदुस्तान में भी वैसे ही कर लेना चाहते हैं जैसे हम हैं। हम तो मजबूरी में हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है, ये तो शौक के साथ उस रास्ते पे जा रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि शायद हिंदुस्तान की सभी गाड़ियों को सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली कूल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसम ही हमारे यहाँ इस तरह का है। लेकिन अगर हम इसी तरह की गाड़ियां बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं, और अपने को अभ्यस्त करने की कोशिश करें, तो ये तो कुछ ऐसी ही कहानी है, बिना जाने समझे दूसरों की नकल करना, और उसको हम अपनी हीनता के साथ जोड़ें और उनकी ऊंचाई के साथ जोड़ना शुरू करें। देखो यूरोप अमेरिका वाले बहुत ऊंचे हैं, जो सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम सब जगह बनाते हैं और सेंट्रली कार बनाते हैं एयर कंडीशन और हीट, और हम नहीं कर पाते हैं तो हम पीछे हैं, वो हमसे आगे हैं। इस तरह का जब तुलना करना शुरू करते हैं तो ये सिवाय हास्यास्पद होने के और कुछ नहीं है। एक बार उनका क्षेत्र क्या है ये हमारे समझ में आए तो हर चीज उनको समझ में। अब देखिए, जब आप बहुत ठंड वाले इलाके में रहेंगे तो आपको अपने को गर्म रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि आप गर्म बने रहें, नहीं तो ठंडे पड़ गए तो आप गर्म बने रहें, इसके लिए कुछ ऐसा करते रहिए। तो आप जरा ध्यान दें, यूरोप के देशों में लोगों के अपने वैयक्तिक जीवन के जो कुछ है हिस्से, वो किस तरह के हैं। उदाहरण के लिए उनका डांस ले लें। उनके डांस में हम हमेशा देखते हैं यूरोप और अमेरिका में कि सबसे ज्यादा तेज पद संचालन होता है। अगर आप पूर्वी यूरोप में जाएं, जिसको सोवियत संघ पहले कहा जाता था, और सोवियत संघ का जो पड़ोस है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी आदि आदि, वहां का कोई भी डांस देखें जो यूरोप का हिस्सा, तो सबसे फास्ट, सबसे तेज पद संचालन उन्हीं के नृत्य में है। क्यों? यूरोप का डांस आपने देखा, बहुत सारे ट्रूप्स आते हैं, यूरोपियन ट्रूप्स, जिनके डांस मैंने दिल्ली में देखे हैं, मुंबई में देखे हैं, वो इतना तेज क्यों करते हैं? शायद वो उनकी जरूरत होगी,
क्योंकि इतना तेज करने से शायद शरीर में ऊर्जा ज्यादा पैदा होती होगी, तो शायद उस ठंड से लड़ने में मदद करती होगी। हम भारत की बात करें, भारत की कल्पना करें, यहां जो वातावरण है और व्यवस्था है, ये गर्म है और थोड़ी ज्यादा ही गर्म है, गर्मियों में तो अति गर्म है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर डांस बनाएंगे तो वैसा तो नहीं हो सकता जैसा उनका है, क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही गर्मी बहुत है। तो हमारे डांस जितने होंगे उसके जो पद संचालन होंगे वो बहुत सॉफ्ट होंगे, कम होंगे, धीमे होंगे, रिदम भी उतना ही धीमा होगा, पद भी उतने ही धीमे रखे जाएंगे, संचालन भी उतना ही धीमे होगा। अब इसको लेकर हम जब ये कंपेरिजन करें कि भाई उनका डांस तो बहुत अच्छा है, पॉप है, रॉक है, और उनका जो म्यूजिक है वो इतना फास्ट है, क्योंकि म्यूजिक फास्ट होना ही पड़ेगा जब डांस फास्ट है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि डांस उनका फास्ट है और म्यूजिक स्लो हो जाए, ये तो होने वाला नहीं है। होएगा तो बैठेगा नहीं, कहीं सामंजस्य नहीं बैठेगा। तो उनको अपना सामंजस्य बिठाना है, डांस फास्ट करना है तो म्यूजिक फास्ट रखना पड़ेगा, तो म्यूजिक भी वैसा ही है। तो हम बार बार ये कहते हैं यार ये तो यूरोपियन म्यूजिक बहुत फास्ट है, समझ में नहीं आता, तो सुनते क्यों है, जरूरत क्या है उसकी। उस ठंडे क्षेत्र के लोगों की जो निजी जिंदगी है वो कैसी है, प्राइवेट लाइफ कैसी है। अभी मैं आपसे जो बात करूंगा वो पिछले लगभग 2000 साल की बात करूंगा, एक साथ बात करूंगा, क्योंकि सन के हिसाब से करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। आज से लगाकर पिछले 2000 साल तक, माने आज सन 2005 है तो लगभग पहली शताब्दी तक कैसा है यूरोप का निजी जीवन, आज भी चल रहा है लगभग उतना ही जो मैं कहूंगा आपसे। और ये जो कहूंगा वो प्लेटो के हिसाब से, सोक्रेटिस के हिसाब से, डेकार्ते के हिसाब से, लेबिनिट्ज के हिसाब से, उनके जो प्राइवेट लाइफ के रिसर्चर्स हैं उनके हिसाब से कहूंगा, मेरे हिसाब से नहीं कहूंगा। ये जो प्राइवेट लाइफ है, निजी जीवन है, इसमें मैं शुरू करता हूं परिवार से कि वहां परिवार कैसा है और फिर हमारे यहाँ कैसा है, उसमें मैं आऊंगा तुलना के लिए। परिवार कैसा है तो उसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2000 साल से यूरोप में परिवार नहीं है। परिवार के नाम पर किसी तरह का एक कॉन्ग्लोमेरेशन है। हम जो परिभाषा करते हैं ना परिवार की, वैसा वहां कुछ भी नहीं है। 70% से ज्यादा लोग आज भी यूरोप में बिना परिवार के रहते हैं। बिना परिवार के रहते हैं माने या तो पत्नी, या तो पति, या तो स्त्री, या तो पुरुष, अलग अलग, तो परिवार तो बनता नहीं है। एकल पिता, एकल माता, सिंगल पेरेंट्स एक शब्द चलता है यूरोप में, सिंगल मदर और सिंगल फादर, ये बहुत बड़े पैमाने पर है। 70% लोग इसी में है लगभग, अमेरिका में भी लगभग वैसा ही है। अब ये जो कुछ है 70% बिना परिवार के, तो वहां तो कुछ ऐसा है नहीं। परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हम कुछ मानते हैं कि एक पति होनी चाहिए, एक पत्नी होना, पति होना चाहिए, एक पत्नी होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए, माने पति पत्नी के माता पिता होने चाहिए, आदि आदि, जैसी हमारी कल्पना है वैसा वहां कुछ नहीं है। वहां तो सिंगल पेरेंट्स हैं, आइदर स्त्री और पुरुष। अब जो है ऐसे इलाके में बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे कैसे हैं, तो बहुत आश्चर्य की बात है ये जानना और समझना कि पूरी की पूरी यूरोपियन सोसाइटी या यूरोपियन सभ्यता पैट्रियार्कियल है, पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक वहां कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो पिता के आसपास है, पिता के केंद्र में है। माता का कोई केंद्र पूरे यूरोप और अमरीकी सभ्यता में नहीं है। प्लीज आप अगर चाहें तो इस हॉल से बाहर जाएं। प्लीज मैं आप दोनों से कह रहा हूं, आपसे मैं दोनों से कह रहा हूं, आप चाहें तो इस हॉल के बाहर चले जाएं, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है और दूसरों को सुनने में तकलीफ हो रही है।
कम से कम आप यहाँ अमरीकी सभ्यता का ये लक्षण पेश ना करें कि आप इंडिविजुअल हैं और हम सब एक समाज के हैं। हाँ, तो वो आप मेरे व्याख्यान के बाद कहिए ना, ये तो जाने के कह रहे थे, तो आप जाने दीजिए ना उनको। आप जो है इतना डिस्टरबेंस कर रहे हैं, कोई तो इतना डिस्टरबेंस नहीं कर रहा यहाँ पे, सो हॉट इन हॉट कंट्री, लेकिन आप जो है इतना ज्यादा क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं? डोंट बी सो हॉट इन हॉट कंट्री, आपका मिसबिहेवियर मुझे हॉट होने के लिए मजबूर कर रहा है। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों अपनी गपशप कर रहे हैं, तो बाहर जाके करें। यू आर टॉकिंग बिसाइड द टॉपिक, ये तो आप बाद में कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप बाहर बैठकर बात करें, ये तो भारतीय सभ्यता के अनुकूल नहीं बैठता कहीं भी। दिस इज भारतीय अनुकूलता, दे आर टॉलरेटिंग दिस। तो अगर आपको नॉनसेंस लगता है तो यहाँ से जाइए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बिकॉज़ आई एम आल्सो बिलोंग टू दिस कंट्री। हाँ, तो शांति से सुनिए उसको, अगर सुनना है तो शांति से सुनिए, उत्तर देना है तो शांति से दीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि कोई बात कर रहा है और आप बीच बीच में अपनी बात करें, तो वो बाहर जाके कर सकते हैं आप। इस हॉल में दो दरवाजे हैं। सॉरी जैन साहब, सॉरी सॉरी, बट टॉक टू द टॉपिक। वो आपकी ओपिनियन हो सकती है, सबकी नहीं है वो। अरे आपको रुचि नहीं है तो जाइए ना, आप बहस बहुत कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करिए, आप सबको डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, क्या मतलब है? चलिए सर आप बोलिए। मैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ में परिवार की बात कर रहा था, परिवार जैसा कुछ बन नहीं पाया है आज तक, सिंगलटन सब कुछ है, एक माता है, एक पिता है, और उसके साथ बच्चे चाहे तो हैं, नहीं तो ऑर्फेनेज में है, ज्यादातर इस तरह की स्थिति है। तो परिवार की जैसी हमारी कल्पना है वैसा कुछ नहीं है। हम जब अपनी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो कल्पना भी उसके साथ हमारी ही जुड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना यूरोपियन परिवार, तो परिवार की हमारी परिभाषा वहां बैठती नहीं है। उनकी जो परिभाषा है उसमें वो एकल परिवार भी परिवार माना जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, उनके यहाँ अकेली कोई माँ अपने बच्चे के साथ रहती है तो वो परिवार ही माना जाता है, अकेला पिता अपने बच्चे के साथ रहता है तो परिवार ही माना जाता है। भारत में वो मान्यता नहीं है, भारत में तो माता पिता साथ में रहते हैं, बच्चे उनके साथ में है, और सिर्फ माता ही पिता नहीं, उनके साथ दादा दादी भी है, नाना नानी भी है, चाचा चाची भी है, मौसा मौसी भी है, मामा मामी भी है, ये भी है, तो हमारे परिवार का अंग बनता है। और इसी परिवार का एक बड़ा हिस्सा कुटुंब होता है, कुटुंब का बड़ा हिस्सा कुल हो जाता है, कुल का बड़ा हिस्सा वंश हो जाता है, और वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। शुरू यहां से होता है हमारे यहाँ परिवार, लेकिन उनके यहाँ इस तरह का है नहीं। तो हम जब यूरोपियन परिवार या अमेरिकन परिवार कहना शुरू करते हैं तो गफलत वहीं पे हो जाती है। हम हमारे शब्दों को उनकी सभ्यता में जब फिट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो अपने शब्दों को अपनी सभ्यता तक सीमित रखकर उनके शब्दों को इस्तेमाल करें तो अच्छा है। तो उनका शब्द है फैमिली, फैमिली माने परिवार नहीं होता। जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये, जब हम भाषांतर करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपने साथ। जैसे भारत में हमने भाषांतर कर दिया रिलीजन माने धर्म कर दिया, अब रिलीजन बिल्कुल अलग है। प्लेटो की जो डेफिनेशन है रिलीजन की वो हमारे धर्म पर फिट ही नहीं बैठती कहीं। हम जब धर्म की बात करते हैं तो ये है कि जो धारण कर सके, धारण करने योग्य है, वो सब कुछ धर्म है। उनके यहां ये कहीं है ही नहीं, पूरी फिलॉसफी में नहीं है। धारण करने योग्य वहां कुछ है ही नहीं जिसे वो कहें। वो रिलीजन को क्या मानते हैं? आपने तिलक ऐसे लगाया, घंटा ऐसे बजाया वैसे बजाया, अगरबत्ती लगाई के मोमबत्ती जलाई, केक काटा के, ये उनके यहां सब कुछ रिलीजन में काम आता है कहने के लिए। हमारे यहां तो ये रिलीजन से बहुत दूर तक का इसका वास्ता नहीं है, इसको तो हम कर्म कांड के रूप में कहते हैं। धर्म तो बिल्कुल अलग है, कर्मकांड तो बिल्कुल अलग है। हम एक संप्रदाय वाले हैं तो हम एक तरह के कर्मकांड करेंगे, एक दूसरे संप्रदाय वाले दूसरे तरह का कर्मकांड करेंगे। दक्षिण में आप चले जाइए, कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह से तिलक लगाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह से तिलक लगाते हैं, लेकिन वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ कर्मकांड का हिस्सा है। तो उनके यहाँ का रिलीजन हमारे यहाँ का धर्म नहीं है, उनके यहाँ की फैमिली हमारे यहाँ का परिवार नहीं है। हमने क्या किया है, भाषा की सहूलियत के लिए भाषांतर के रूप में इन शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू किया है, और उससे बहुत कुछ गलतियां हम करते हैं, और वो हमारी उन गलतियों पे हंसते हैं।
हम जब फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे यहां तो फैमिली है नहीं, उसको प्लान क्या करें। उनके यहां फैमिली है तो उसको प्लान करना है, हमारे यहां तो परिवार है, उनके यहां तो परिवार नहीं है, फैमिली है। तो फैमिली प्लानिंग पूरा एक पॉलिसी के रूप में जब इस देश में चले तो हास्यास्पद ही दिखाई देता है। परिवार के बारे में बात करें तो कुछ समझ में आती है। तो कई बार क्या होता है कि शब्द उनके हम ले लें और अपने हिसाब से भाषांतर करके इस्तेमाल करें वो बड़ा। तो उनके यहां फैमिली है, परिवार नहीं है, हमारे यहां परिवार है, उनके यहां नहीं है। तो अब दोनों अलग अलग हैं। और मैं जो कहना चाहता हूं, इसमें कोई ऊंचा नीचा की बात नहीं है, वो अलग है, हम अलग हैं। जैसे कई बार ये कहते हैं ना, यूरोप की सभ्यता में, भारत की सभ्यता में बहुत कुछ कॉमन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन है। अगर कुछ है तो वो जबरदस्ती से किया हुआ है, जैसे वहां का पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया और हमने खाना शुरू कर दिया तो कॉमन हो गया, या वहां से पेप्सी कोक आ गया, हमने पीना शुरू कर दिया तो कॉमन हो गया। वो सभ्यता का अंग नहीं है, वो नकल किया हुआ एक हिस्सा है। चाउमीन वहां से आ गया, हमने खाना शुरू कर दिया सिवई के स्थान पर, तो वो अंग नहीं बनता सभ्यता का। तो कॉमन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी भी सिविलाइजेशन में, कोई भी सभ्यता में, दुनिया में आप जाइए, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, नहीं तो सभ्यता ही नहीं बनती है। सभ्यताएं बनती ही इसलिए हैं कि वहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है। और संस्कृति उसका एक छोटा सा हिस्सा होती है। सभ्यता कुछ बड़ी चीज है, संस्कृति उसमें छोटा सा कुछ हिस्सा जैसा है। सभ्यता और संस्कृति का अगर अंतर समझना चाहें तो भारत के हिसाब से, यूरोप में तो ये अंतर भी नहीं है, यहां के हिसाब से मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। आपको अगर मैं ये कहूं कि कोई मां है या बहन है, वो बंगाली तरह से साड़ी पहने हुए है, तो तुरंत आपके दिमाग में कोई पिक्चर घूमता है, बंगाली तरीका क्या है साड़ी पहनने का, कुछ है। फिर इसी तरह से मैं कहता हूं कोई एक मां है, बहन है, वो आसामी तरीके से कोई साड़ी पहनी हुई है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि आसामी तरीका कोई है साड़ी पहनने का। फिर मैं कहता हूं कोई गुजराती तरीके से मां और बहन साड़ी पहनकर खड़ी हुई है, तो तुरंत आपके दिमाग में कोई एक इमेज आती है, एक तरीका है गुजराती साड़ी पहनने का। फिर वो पंजाबी है। तो ऐसे अगर 8-10 राज्यों के मैं नाम लूं और आपसे कहूं कि देखो ये गुजराती साड़ी है, ये मराठी साड़ी है, ये बंगाली है, ये आसामी है, ये मणिपुरी है, ये आदि आदि इस तरह की साड़ियां हैं, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं साड़ियों को पहनने के, ये है संस्कृति, और ये जो साड़ी है वो है सभ्यता। तो सभ्यता और संस्कृति का जो अंतर है वो कुछ इस तरह का है। सिविलाइजेशन है साड़ी, और तरीके जो उसको पहनने के हैं वो है हमारी संस्कृति। तो भारतीयता में, सभ्यता और संस्कृति में जो परिवार की बात है वो मैं कुछ अलग तरीके की, हमारी उनकी अलग तरीके की। तो अब उनकी जो फैमिली है वो कैसी है। फैमिली ये है कि पैट्रियार्कियल, मैंने आपसे कहा पिता है वो सर्वोच्च है, और पिता की हैसियत जज के जैसी है, माने एक बार उसने कोई फैसला सुना दिया वो सुप्रीम है, वो रिकंसीडर नहीं होता। लगभग 2000 साल पूरे यूरोप में, सन 1950 से लेकर पहली शताब्दी तक यूरोप के सभी परिवारों में पिता सर्वोच्च है, 1950 तक। और यही कारण है कि सन 1950 तक यूरोप के सभी देशों में सिर्फ पिताओं को वोट डालने का अधिकार होता था। आप सोच सकते हैं ये बात। अमेरिका में 1950 तक, ब्रिटेन में सन 1950 तक, यूरोप के देशों में लगभग 1950 तक सिर्फ पुरुष ही वोट डाल सकता था, स्त्री को वोट डालने का अधिकार नहीं, क्योंकि फैमिली में स्त्री का कोई महत्व नहीं। पितृ सत्तात्मक सत्ता, पैट्रियार्कियल जिसको हम कहते हैं, उनके शब्दों में वो है। और इससे भी आगे चलें तो यूरोप के दस्तावेज बताते हैं कि सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका की किसी बैंक में महिला को खाता खोलने का अधिकार नहीं, बैंक अकाउंट ओपन करने का राइट नहीं, अप टू 1950। तो महिलाओं को वोट डालने के अधिकार मिलने चाहिए और महिलाओं को बैंक में खाता खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ फ्रांस से, और उस आंदोलन की नेत्री थी सिमोन द बोवार,
और उसका सबसे बड़ा नारा था कि जो पुरुष को अधिकार है वोट देने का, बैंक अकाउंट खोलने का, संपत्ति का मालिक होने का, वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला। ज्योपाल सात्र, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता है फ्रांस का और अभी यूरोप का, सिमोन द बोवार जो उसकी सहयोगी थी, इन लोगों ने मिलकर ये बहुत बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया जिसको फेमिनिज्म माना जाता है या फेमिनिज्म मूवमेंट कहा जाता है, स्त्री मुक्ति आंदोलन जैसा हम उसका भाषांतर भारत में करते हैं। स्त्री को मुक्ति किससे? इस व्यवस्था से जिसमें उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। जो अधिकार है वो सब पुरुष को है, पिता को है, मां को तो कोई अधिकार नहीं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो समझने की है, जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, जो प्लेटो अपनी किताब में लिखता है, वो कहता है कि बच्चे का पैदा होना भी मां के अधिकार में नहीं है, वो पिता का ही अधिकार है। अर्थात कोई गर्भ में बच्चा आ गया है तो उसको पैदा होना है या नहीं वो पिता तय करेगा, मां तय नहीं कर सकती। जन्म देना है नहीं देना है उसके पति पर निर्भर है, पत्नी कुछ उसमें हां ना नहीं कह सकती, ये अधिकार नहीं है। और रूसो जो मॉडर्न फिलोसोफर माना गया है, उसके पांच बच्चे हुए, पांचों के बारे में वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मेरा फैसला था, पत्नी का नहीं। और फिर उसको कहा गया कि ये गलत है या सही है, तो उसने कहा 2000 साल की परंपरा है और मैंने उसको निभाया। तो ये वहां की व्यवस्था है। तो पिता है, पुरुष है, मुख्य है, परिवार का मुखिया है, कुलपति है, कुलपिता है, जो कहना चाहिए। अभी जो तय करेगा वही तय करेगा, माता कुछ तय नहीं कर सकती। और इससे भी आगे यूरोप के सभी गांवों में, अब शहरों में थोड़ा ये बंद हुआ है पिछले 50 साल से, यूरोप के गांवों में आज भी बहुत सारी जनजातियां हैं जिनको यूरोप में आदिवासी कहा जाता है, वहां अभी भी यही है। पिछले 50 वर्षों में वहां नहीं कुछ बदला है। इससे भी आगे एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बच्चा पैदा हुआ पिता की मर्जी से, मां ने सिर्फ गर्भ धारण किया, मर्जी पिता की है, अब उसको जिंदा रहना है या नहीं। और सामान्य रूप से यूरोप में 2000 साल की एक परंपरा है कि बच्चे जितने पैदा हों उसमें से 3/4 को लावारिस छोड़ा जाए, एबंडेंड चाइल्ड। जैसे रूसो के पांच बच्चे हैं, चार को उसने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, जन्म लेते ही निकाल दिया। तो वहां की परंपरा कैसी है, बच्चे ने जन्म लिया, पिता ने उसको किसी कपड़े में लपेटा और बाहर रख दिया, दरवाजे पे रख दिया या डस्टबिन के पास रख दिया। या यूरोप के बहुत सारे देशों में चर्च के सेंटर होते हैं, वहां पहुंचा दिया कि इनको आप पालो, ये हम नहीं रखेंगे। सामान्य रूप से 3/4 बच्चे लावारिस छोड़े जाते हैं। उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है? प्लेटो ये कहता है कि बच्चों को पालना अपने वैयक्तिक जीवन में खलल पैदा करने जैसा है, ये प्लेटो की ओपिनियन है, इसलिए व्यक्तिगत जीवन में खलल नहीं होना चाहिए। और प्लेटो की परिभाषा में व्यक्तिगत जीवन सिर्फ इंद्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्लेटो। इंद्रिय सुख, शरीर सुख, यही सबसे ऊंचा है, बाकी सब इसके नीचे है। और इंद्रिय सुख और शरीर सुख लेने में बच्चे सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए घर में नहीं, आप छोड़ दो उनको, पैदा हुए तो छोड़ दो। प्लेटो ने अपने बच्चे छोड़े, प्लेटो की चार पत्नियां हैं, उसमें से एक शादी वाली है, तीन बिना शादी की हैं, तो जितने बच्चे हैं सब छोड़े। सोक्रेटिस ने यही किया, लेबिनिट्स ने किया, डेकार्ते ने किया, रूसो ने किया, सभी फिलोसोफर्स अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं। अब प्लेटो कहता है कि ये जो लावारिस हैं इनकी जिम्मेदारी राज्य की है, परिवार की नहीं, फैमिली की नहीं है, तो राज्य इनको संभाले। तो राज्य क्या व्यवस्था कर रहा है, इन लावारिस छोड़े हुए बच्चों की व्यवस्था के लिए राज्य ने चर्च को खड़ा किया पैसा देकर कि आप इनकी व्यवस्था संभालो। तो जितने भी चर्च पूरे यूरोप और अमेरिका में आपको मिलेंगे, सभी चर्चों के ऑर्फेनेज सेंटर आपको जरूर मिलेंगे। बिना ऑर्फेनेज के कोई चर्च यूरोप में नहीं होता। सभी चर्च में लावारिस बच्चों के केंद्र आपको मिलेंगे।
और जो लावारिस बच्चों के केंद्र चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर बच्चों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का माने जो कुछ भी उनको जिंदगी चलाने के लिए सिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशंस को कॉन्वेंट कहा जाता है। कॉन्वेंट अर्थात लावारिस बच्चों के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूट, जिन बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया है, जो पल रहे हैं चर्च की तीमारदारी में, और चर्च को पैसा सरकार दे रही है, और ये पैसा यूरोप की सभी सरकारें अपने बजट में से निकालती हैं सब्सिडी के नाम पर, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, और यूरोप की सभी सरकारों के बजट का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर सोशल सिक्योरिटी में ही है, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो वो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है कॉन्वेंट का। अब मेरे समझ में ये बात बिल्कुल स्पष्ट आने लगी है, पहले मैं बचपन में नहीं जान पाता था कि ये भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल है, इन स्कूलों में हम जब पढ़ने जाते हैं या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चों को स्कूल में मदर फादर कहना क्यों सिखाते, टीचर कहना क्यों नहीं सिखाते। जैसे भारत में बहुत सारे कॉन्वेंट है ना, उसका प्रिंसिपल फादर है, या तो कोई मदर है, या तो कोई सिस्टर है, या तो कोई ब्रदर है, टीचर कोई नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि यूरोप में तो कॉन्वेंट स्कूल है ही लावारिस बच्चों के लिए, जिनके मदर फादर का पता नहीं है, तो किसी तरह मदर फादर की थोड़ी अनुभूति हो सके, इसके लिए वो अपने आप मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिखाते। हमने जैसे का तैसा कॉन्वेंट का ढांचा वहां से आयात कर लिया, या जबरदस्ती हमारे ऊपर ठोक के बिठा दिया अंग्रेजों ने, जो भी कहना हो, वो अभी भारत में वैसे ही चलता है जैसे यूरोप में चलता है। भारत के जयपुर के किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में आप चले जाइए, बच्चे को फादर ही कहलवाएंगे वहां के प्रिंसिपल को, कि ये फादर है जो लंबा चोगा पहन के है, और वो सिस्टर है, या तो वो मदर है, या तो वो ब्रदर है, कोई टीचर नहीं है, क्योंकि वहां नहीं है तो यहां भी नहीं। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपसे और कहता हूं, तब आपको और समझ में आएगा कि हमारी मूर्खताएं क्या हैं, हमारी अपनी। ये जो मदर फादर नहीं है जिन बच्चों के, जो कॉन्वेंट में वहां पढ़ते हैं, उन बच्चों को जो ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, उन ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स में एक डिनोमिनेशन है या एक नामकरण है अकेले कुछ ऐसे बच्चों का, जिनको बास्टर्ड कहा जाता है, लिटरली कहा जाता है। यूरोप में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बास्टर्ड कहा जाता है। बास्टर्ड कौन है? बास्टर्ड वो है जिनके माता पिता नहीं है, और जिनके माता पिता हैं वो नहीं है बास्टर्ड, माने जिनके परिवार हमारे जैसे हैं, अगर हम कल्पना करें, उनके यहां पैदा हुए बच्चों को बास्टर्ड नहीं कहा जाएगा कभी भी। बास्टर्ड वही है जिनके माँ बाप का पता नहीं है, और जो बास्टर्ड है वो नागरिक नहीं है और हो नहीं सकते, सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप किसको मिलेगी? जिनके माता पिता हैं और उनकी अपनी फैमिली है, वो बच्चे ही सिटीजन होंगे। जिनके माता पिता का पता नहीं है, ऑर्फेनेज में बड़े हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, उनको नागरिकता नहीं है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1935 तक इंग्लैंड में और यूरोप में कॉन्वेंट पढ़े हुए किसी भी बच्चे को नागरिकता नहीं मिली। कई लोगों को तो संघर्ष करना पड़ा नागरिकता के लिए। मैं आपको एक नाम बताता हूं, रोम में एक राजा हुआ क्लॉडियस, बड़ा राजा है, बहुत बार उसकी चर्चा है यूरोपियन हिस्ट्री में। क्लॉडियस बास्टर्ड है, और उसको राजा होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही है, उसको बास्टर्ड होना। तो वो क्या करता है, उसको राजा होना है, वो जानता है कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, मैं मारपीट कर सकता हूं, गुंडागर्दी कर सकता हूं, किसी को जीत सकता हूं, किसी को हरा सकता हूं, तो इस तरह की काबिलियत उसको लगती है अपने में, तो राजा होने की मन में कल्पना है। तो अब उसको रास्ता कैसे क्लियर करें, तो क्लॉडियस ने क्या किया है, अपने आप को किसी फैमिली में दत्तक करवाया। दत्तक लेने की परंपरा वहां पुरानी है, तो दत्तक करवाया, उस परिवार का नाम उसको मिला, तब उसको सिटीजनशिप मिली रोम की, और तब वो राजा बना। एंड द सेम केस इज नीरो। नीरो के बारे में हम सब कहते हैं ना, और एक हमारे यहां मुहावरा इस्तेमाल होता है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो वो नीरो भी इसी रास्ते से गया राजा होने तक।
माने राजा होने के लिए नागरिक होना है, नागरिक होने के लिए माता पिता होना है। अगर आपके माता पिता नहीं है तो राजा होने की स्थिति नहीं है, तो आपको कहीं दत्तक होना पड़ेगा, किसी बड़े परिवार का दत्तक होना पड़ेगा, फिर आप उस रास्ते पर जा सकेंगे। ये उनकी परिवार की व्यवस्था है। अभी भारत में देखें, भारत में आजादी के पहले से और पिछले 2-5 हजार साल तक जितनी कल्पना हमारी दूर तक जाती हो, रामचंद्र जी के जमाने तक जाती हो, कृष्ण के जमाने तक जाती हो, उसके पहले तक कहीं कल्पना जाती हो, तो परिवार में बच्चे का होना मां के ऊपर निर्भर है। भारत में बिल्कुल उल्टा है, मां चाहेगी तो बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हमारे यहां की व्यवस्था है। और भारत में आज भी जिनको हम आदिवासी और वनवासी कहते हैं, आप वहां चले जाइए, पूरी सोसाइटी मैट्रियार्कियल है, मात्र सत्तात्मक है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, आसाम के ऊपर कहीं भी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, वहां आपको सब कुछ दिखाई देगा मां के इर्द गिर्द घूमता हुआ। और उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं, हाँ ये तो हजारों साल की परंपरा है हमारी। और नॉर्थ ईस्ट में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शादी होकर बेटी घर से नहीं जाती है, लड़का घर में आता है। ये भारत की उन सभी समाजों में है जिनको दुर्भाग्य से हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। शादी होकर बेटी नहीं विदा होती है, लड़के को घर में लाया जाता है दामाद बनाकर, और संपत्ति की मालिक लड़की होती है, लड़का नहीं होता है। यूरोप में स्त्री को संपत्ति का कोई अधिकार 1950 तक नहीं है, उसके बाद आया है, जिसको मॉडर्न यूरोप कहा जाता है, उसमें आया है, यहां तो पहले से है। और यहां अगर आप इसको समझना चाहें कि भारत की सारी व्यवस्थाएं मां के इर्द गिर्द घूमती हैं, घर के सारे बड़े फैसले माताएं करती हैं इस देश में, भले वो लंबा घूंघट निकाल के बैठी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने राजस्थान में क्या, मध्य प्रदेश में क्या, भारत के उत्तर में क्या, कहीं भी देखा है, छोटे छोटे गांव में देखा है, लंबा घूंघट निकाले हुए महिलाएं घर के फैसले लेती। एक बार ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण केस में मुझे अनुभव हुआ, मेरा एक दोस्त है, वो अपनी बहन की शादी करने के लिए एक गांव में गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जिस घर का लड़का था वहां पर हम बैठे, तो उनकी माँ, लड़के की माँ, लंबा घूंघट निकाल के बैठी थी, तो लड़के के पिता भी वहीं बैठे थे, लड़का भी बैठा था। तो हम सब बात कर रहे थे कि देखो लड़की ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, आपको मंजूर है? तो पिता ने तुरंत हाँ बोला, लड़के ने हाँ बोला। वो जो माँ लंबा घूंघट निकाल के बैठी थी, उसने कहा बस, इतने में पिता उठ गया, लड़का उठ गया, अंदर गए और बाहर आके कहा कि शादी नहीं हो सकती। क्यों? हमने कहा भाई क्या कमी है? उनका, हमारी माता जी ने पहले एक लड़की पसंद कर रखी है, बस फैसला तो उन्हीं का है। तो हम ये जो कई बार गालियां देते हैं ना, हमारी महिलाएं तो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, घूंघट निकाल के बैठी, फैसला वही करती हैं। महत्व जो है ना, वो फैसले का है, पिता फैसले नहीं करता। पिता की भूमिका तो व्यवसाय तक इस देश में सीमित है, घर की भूमिका पूरी तरह माँ के हाथ में है। तो यहां का जो परिवार है वो मात्र सत्तात्मक है, और जब मात्र सत्तात्मक है तो उसमें संबंध तो बहुत दूर तक होते हैं, क्योंकि मां तो संबंध की शुरुआत है, संबंध ही पहला बनता है, वो मां का है। तो मां से निकलते हुए फिर संबंध चलते हैं, और संबंध चलते हैं तो परिवार और कुल और वंश बड़े होते हैं। तो हमारे यहां जो परिवार की कल्पना है उसके केंद्र में मां है, वो राम का देख लो, कृष्ण का देख लो, या और वसुदेव का देख लो, या भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का देखना हो तो देख लो, हर्षवर्धन का देखना हो तो देख लो, या चाणक्य का देखना हो तो देख लो, किसी का भी देख लो, सभी के केंद्र में मां है। और ये जितने महान लोग जिनको हम बार बार नमन करते हैं, याद करते हैं, उनसे पूछो कि भाई आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा आभारी किसके प्रति हैं, तो वो कहते हैं हमारी मां के प्रति आभारी, वो है तो हमको ये संस्कार है, नहीं होती तो शायद ये नहीं होता। तो संस्कार देने का काम मां, भारत की सारी कविताओं के केंद्र में मां है, जो बच्चों को सिखाई जाती है बचपन से लेके और दूर तक। माने स्त्री हमारे केंद्र में है, महिला हमारे केंद्र में है, मां हमारे केंद्र में है,
तो माँ के केंद्र होने से परिवार की व्यवस्था कुछ इस तरह की है, मात्र सत्तात्मक है। और भारत में ये कभी नहीं रहा अमेरिका और यूरोप के जैसा, जैसे वहां वोट देने का अधिकार नहीं, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं। आप जानते हैं कि इस भारत में माताओं ने ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी हैं, यजुर्वेद की ऋचाएं लिखी हैं, सामवेद की ऋचाएं लिखी हैं, उपनिषदों में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन माताओं का है। मेरे एक परिचित हैं, आर्य समाजी हैं, बहुत बड़े वेद के प्रकांड पंडित हैं। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं और उसमें से कितनी महिलाओं की हैं, तो उनका 37-40% महिलाओं की लिखी हुई है। और उनके अलग अलग नाम हैं जो हम जानते हैं अलग अलग समय पर। तो वेद रचती हैं महिलाएं, उपनिषद रचती हैं महिलाएं, तो केंद्र में तो रही होंगी। और भारत के सामान्य गांवों में ये दिखाई देता है अभी भी माताएं आर्थिक फैसले सबसे ज्यादा करती हैं, अभी भी माताएं सबसे ज्यादा उत्पादन के काम में लगी हुई हैं। इस देश में जीडीपी का जो यूरोपियन अमेरिकन पैमाना हम छोड़े और भारतीय पैमाना कोई बनाए, तो हाइएस्ट जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन माताओं के द्वारा ही है इस देश में। अभी तो हम यूरोपियन पैमाने से नापते हैं, तो होता क्या है कि भारत में माताओं का उत्पादन छोड़कर जो कुछ भी इस देश में है वो सब जीडीपी में आता है, लेकिन माताओं का उत्पादन हमने कभी जीडीपी में लाया नहीं, क्योंकि नकल हमने उनकी कर रखी है। वहां पे माताएं पापड़ बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, बड़ी बनाती हैं, अचार बनाती हैं, सब्जियां बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बनाती हैं, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि नकल हमने वहां से की हुई है, पितृसत्तात्मक समाज से। बाकी हमारे देश में उत्पादन के सबसे बड़े तंत्र पर आज भी माताएं हैं, व्यवस्थाओं को संभालने में आज भी माताएं हैं। और हमारे भारत में तो कहा ही नहीं जाता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, जिस घर में मां नहीं है वहां की रौनक नहीं है, पवित्रता नहीं है। मैं दक्षिण में बहुत सारे मंदिरों में गया हूं, लेकिन गर्भगृह में मैं प्रवेश नहीं कर सका। कारण क्या? पुजारी ने कहा कि आपकी या तो मां को लेके आइए या तो पत्नी को लेके आइए, तभी मंदिर में जाने के अधिकारी हैं, आप अकेले क्या करेंगे इसमें जाके। तो मैंने कहा भाई इसमें परेशानी क्या है, मैं अकेला हूं तो। उन्होंने कहा अकेले होने से पवित्रता नहीं आती, पवित्रता किसी स्त्री के साथ होने से ही आती है, वो चाहे मां के रूप में हो या आपकी पत्नी के रूप में हो। और अगर कुछ नहीं है तो बहन को ले आइए किसी को, हम आपको मंदिर में जाने देंगे। उस दिन मेरे समझ में आया। अब इस बात को हम पूरे हिंदुस्तान में एक नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे तरह से भी पेश कर सकते हैं कि देखो कितना छुआछूत है इस देश में, घुसने ही नहीं देते मंदिर में। लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है, वो पवित्रता का कारण है जो मां के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भारत में बहुत सारे शास्त्रों में बार बार पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि जिस पुरुष की स्त्री चली गई उसका तो सब कुछ चला गया, मां चली गई तो और कुछ बचा ही नहीं, अब पत्नी गई तो बहुत कुछ चला गया। विदुर होना बहुत अपमानजनक स्थिति है समाज में, हमारे देश में, हमारी मान्यता में, हमारी सभ्यता। तो क्यों है? क्योंकि मात्र सत्तात्मक है सब कुछ। बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे मां का है, बच्चे बड़े होंगे तो क्या संस्कार मिलेंगे मां का फैसला है, पिता का उसमें कोई बड़ा योगदान नहीं। पिता तो थोड़ा सपोर्टिंग हैंड के रूप में है, जो कुछ गढ़ रही है तो वो तो मां गढ़ रही है। तो भारत की सभ्यता मात्र सत्तात्मक, इसलिए हमने शायद हमारे देश को भारत माता बोला, हमने कभी क्यों नहीं कहा भारत पिता, भारत माता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मात्र सत्तात्मक है सब कुछ, यहां तो भारत माता ही कहेंगे। भारत शब्द तो पुरलिंग है लेकिन माता तो हमने लगाया है उसके साथ भी, गंगा के साथ भी माता लगा दिया, गाय के साथ भी माता लगा दिया, यमुना के साथ भी माता लगा दिया। गंगा मैया है, यमुना मैया है, गैया मैया है, ये मैया है भले वो पुरलिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि मात्र सत्तात्मक है सब कुछ। तो अब हम मात्र सत्तात्मक समाज में रहने वाले लोग पितृ सत्तात्मक समाज के लोगों की नकल करें तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा? आपको अपने स्थान बदलने पड़ेंगे और उसमें से तो बहुत कुछ घालमेल होगा। तो अभी मैं आपको इस उदाहरण को और थोड़ा स्पष्ट करता हूं कि हम भारत में विदेशी टीवी चैनलों को आज देखते हैं
तो जितने भी विदेशी टीवी चैनल हैं, जैसे स्टार प्लस आया है, CNN है, ATN है, प्राइम स्टार है, प्राइम स्पोर्ट्स है, वगैरह वगैरह, इन सभी टीवी चैनलों पर कुछ सीरियल्स आते हैं और उन सीरियलों को भारतवासी देखते हैं और दिखाते भी भारतवासी हैं, लेकिन उनके प्लॉट सभी अमेरिका और यूरोप से आते हैं। भारत में स्टार प्लस पे सबसे ज्यादा सीरियल दिखाने वाली एक लड़की है जिसका नाम है एकता कपूर, उसके सबसे ज्यादा सीरियल आते हैं। सौभाग्य से एक बार मुझे उससे बात करने का मौका मिला मुंबई में, तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि आपके जितने भी सीरियल हैं, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, ये सब सीरियल के प्लॉट्स कहां से आते हैं, कहानी कहां से आती है? तो मैंने कहा दिस इज ऑल इम्पोर्टेड, प्लॉट तो सभी अमेरिका से हैं, यूरोप से आए हैं, कहानी सब वहां से आई है, उसमें हमने भारतीय पात्रों को फिट करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा अब मुझे समझ में आ गया कि आपके सभी सीरियल में माताओं को ही सबसे ज्यादा गालियां क्यों दी जाती है। सास भी कभी बहू थी, आप अगर इस सीरियल को ध्यान से देखें तो इस सीरियल की सभी स्त्री पात्र या माताएं पात्र सबसे ज्यादा दुर्भावना का शिकार है। ऐसे ही कसौटी जिंदगी की या कहानी घर घर की कोई भी सीरियल देखें, ये सभी सीरियलों को मैं देख नहीं पाता हूं लेकिन इनकी स्टोरी जरूर पढ़ता हूं मैं, कभी अखबार में आती है कभी मैगजीन में। तो उन सब सीरियलों में एक माता दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, दूसरी तीसरे के खिलाफ, तीसरी चौथी के खिलाफ, ननद भाभी के खिलाफ, भाभी ननद के खिलाफ, माता जो है किसी और के, इसी तरह के षड्यंत्र 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 माताओं के बीच में सबसे ज्यादा, पुरुषों में कुछ कम, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेड प्लॉट्स हैं, यूरोप से आए हैं अमेरिका, तो वहां तो माता तो कुछ है नहीं, तो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो तो कोई महत्व की बात नहीं है, यहां तो बहुत कुछ उसी पर निर्भर है, लेकिन हमने चूंकि आयातित किया हुआ है, उसको हिंदुस्तान का थोड़ा मिर्च मसाला लगा के पेश किया हुआ है, तो सभी सीरियल उसी तरह के दिखाई देते हैं इस देश में। चूंकि हम अगर अपनी सभ्यता को ध्यान में रख के कोई सीरियल बनाएं और अपनी मान्यताओं को ध्यान में रख के बनाएं तो इसके बिल्कुल विपरीत बनेंगे जो आज हम देख रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने जब इनको कहा कि एकता कपूर को कि आप कोई भारतीय मान्यताओं के आधार पर भी, तो उनका आप प्लॉट बना के दे दीजिए, हमारी दिमाग में तो आता नहीं है क्योंकि हमने तो जो पढ़ा लिखा है वो सब कुछ इसी तरह का है, मॉडर्निज्म का, यूरोपियनिज्म का, अमेरिकनिज्म। एकता कपूर यूरोप में पढ़ के आई है, थोड़े दिन अमेरिका में रह के आई है, तो वो कहती है कि ज्यादा कुछ हम जो देखते रहे वो यहां पर बनाते रहे। तो इस तरह का होता है जब आप अंधानुकरण करते हैं, बिना सोचे समझे नकल करते हैं, तो इस तरह का उसमें से कुछ निकलता है। फिर हम अपना सिर पीटते हैं, अरे हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है, सभ्यता का नाश हो रहा है, वो तो होगा ही क्योंकि बिना सोचे समझे तो आप ये सब कर ही रहे हैं। कोई विचार तो होता नहीं, कोई बहस तो होती नहीं, कोई मुहाविसा तो होता नहीं, इस देश में ऐसे ही चलता जाता है। तो एक मात्र सत्तात्मक समाज हमारा, एक पितृ सत्तात्मक समाज उनका, अब कौन अच्छा कौन बुरा इसमें नहीं जाना चाहिए, वो अलग हम अलग, अब अलग अलग मान्यता और सभ्यता के लोग अलग अलग मान्यता और सभ्यता के ही कार्य करेंगे तभी कुछ अच्छा होगा, नहीं तो उसमें से कुछ खराब ही निकलेगा, घालमेल करेंगे, फ्यूजन करेंगे तो खिचड़ी बनेगा। इस तरह का यूरोप और अमेरिकन समाज है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक बात यह है कि ये जो लावारिस बच्चे हैं फिर ये कहां जाते हैं अंत में, यूरोप में, तो ये अंत में गुलाम बन के काम में आते हैं। कॉन्वेंट से जो बच्चे निकलते हैं वो सब गुलाम बनते हैं, और आप जानते हैं कि गुलामी प्रथा, दास प्रथा यूरोप का लंबे समय तक चला हुआ बहुत बड़ा अभियान रहा है, जिसको यूरोप और अमेरिका की किसी भी समाज ने आज तक ये नहीं कहा कि ये पूरा खराब था, वो कहते हैं इसमें थोड़ा सुधार करके अच्छा था, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। यहां तक आके जॉर्ज बुश प्लेटो की मान्यता को ही आगे बढ़ाता है जब वो एक वक्तव्य देता है कि न्यू ओरलींस में आया भूकंप, अभी आया ना पानी का जलजला समुद्री, तो न्यू ओरलींस का एरिया उसने 6-7 दिन तक नेग्लेक्ट रखा, लोग मरते रहे, कटते रहे, पिटते रहे, आर्मी नहीं भेजी, सहायता नहीं भेजी, और अंत में कहा वो गुलाम थे सब, दास लोग थे, ब्लैक्स थे, क्या करना उनके लिए। और थोड़े दिन के बाद उसी तरह का तूफान और जलजला उस एरिया में आया अमेरिका में जहां उनका सबसे बड़ा सेंटर है केप कैनेवरल, और वहां से उनके रॉकेट और वो सब छोड़े जाते हैं, और अमेरिका का सबसे अमीर इलाका है वहां, जैसे ही जलजला आया 6 घंटे के अंदर आर्मी भी पहुंच गई, सामान भी पहुंच गया, सब पहुंच गया, क्योंकि वो व्हाइट्स हैं। तो ये जो ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का है ये तो अभी तक है,
गया नहीं है। इतने सारे रिफॉर्म्स होने के बावजूद जॉर्ज बुश के दिमाग में वो कीड़ा बैठा हुआ है। अमेरिका में और यूरोप में ये लंबे समय से हजारों साल से गुलामी की दास प्रथा, और इसी दास प्रथा में इन सब बच्चों का इस्तेमाल होता रहा है। और मजे की बात यह है कि इसको वो कभी भी खराब नहीं मानते रहे। तो वो दुनिया के जिस भी देश में गए वहां उन्होंने यही किया जो अपने यहां वो हजारों साल से कर रहे थे, दास बनाना, गुलाम बनाना और उनकी मदद से सब काम कराना। अब वहां क्या होता है कि जो भी पिता है या उनकी थोड़ी बहुत फैमिली है उसमें बच्चा तो एक आदि है, बाकी तो ऑर्फेनेज में है। ऑर्फेनेज से लाए हुए जो बड़े गुलाम बच्चे हैं वो घर के काम में लगे हुए, तो छोटे से लेकर बड़ा काम सब गुलाम करेंगे। पिता को करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे जूता पॉलिश करना है तो वो गुलाम करेगा, इस्त्री करना है तो गुलाम करेगा, कपड़े धोने हैं तो गुलाम धोएगा, घर को साफ करना है तो गुलाम करेगा। इस तरह की परंपराएं वहां पे हैं, माने अपने हाथ से अपना काम नहीं करना, जो करे वो छोटा है, नीचा है, और जो दूसरों से कराए वो ऊंचा है। तो वहां ऊंचे और नीचे की परिभाषा कुछ इस तरह की है। भारत में इसका बिल्कुल उल्टा है। यहां क्या है, जो अपने हाथ से अपने सारे काम करे वो ऊंचा है, और दूसरों से कराए तो वो सबसे ज्यादा शोषण कर रहा है, हम उसको गाली ही देते हैं। तो भारतीयता में क्या होता है, मैंने ऐसे इस देश के सैकड़ों करोड़पतियों को देखा है जो अपने घर में खुद झाड़ू लगा लेते हैं, अपने कपड़े खुद साफ कर लेते हैं, खुद नहा लेते हैं, खुद दांत साफ कर लेते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, यूरोप में जो अमीर जादे रहे हैं 1950 तक उनके दांतों पे ब्रश भी गुलाम ही चलाते रहे, दांतों पे ब्रश। तो वो जब अमीर जादे यहां वॉयसराय बन के आते हैं और यहां जब रहना शुरू करते हैं तो यहां भी वही परंपरा डालते हैं। जैसे उदाहरण में हमारा राष्ट्रपति भवन, ये एक अंग्रेज वॉयसराय का घर है, तो बहुत साल तक तो अंग्रेज वॉयसराय रहा जिसको राष्ट्रपति मानते थे। तो आप अगर चले जाएं राष्ट्रपति भवन में तो ऐसे दासों की, गुलामों की फौज आपको वहां मिलेगी जिनकी संख्या 4,500 है। राष्ट्रपति भवन में ऐसे कई गुलाम नौकर हैं जो राष्ट्रपति की बूट पॉलिश के लिए हैं, राष्ट्रपति के कपड़े पे इस्त्री करने के लिए हैं, राष्ट्रपति के ब्रश पर पेस्ट निकाल कर देने के लिए हैं, राष्ट्रपति की मेज सजाने के लिए हैं। एक राष्ट्रपति हैं और व्यक्तिगत रूप से 835 कर्मचारी हैं। और दुर्भाग्य इस देश का या सौभाग्य की इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीयता वाले हैं, वो कहते हैं इनकी मुझे जरूरत नहीं, निकाल बाहर करो, तो सरकार कहती है जी ये प्रोटोकॉल है, हम नहीं निकाल सकते किसी को। आपको मालूम है राष्ट्रपति ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कई बार लिख कर दिया कि ये 850 गुलामों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरे जूते पे पॉलिश कर सकता हूं, मेरे कपड़े मैं खुद धोता हूं, स्त्री की मुझे आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मैं बिना स्त्री के कपड़े पहनता हूं, ज्यादा कपड़े मेरे पास है नहीं, 3 शर्ट है और 3 पैंट है, 2 कोट है, 2 पैंट है, इससे ज्यादा मैं रखना नहीं चाहता, एक ब्रीफ केस में मेरा सब सामान आ जाता है, कल राष्ट्रपति भवन छोड़ना पड़े तो एक ही ब्रीफ केस लेके निकलूंगा, एक ही ब्रीफ केस लेके आया हूं, इसलिए मुझे ये 835 लोगों की फौज नहीं चाहिए, हटाओ। तो प्रधानमंत्री कहते नहीं हटा सकते, ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बैठने दीजिए ना, आपका क्या बिगाड़ थे, प्रोटोकॉल तो चलने दीजिए। माने वो वॉयसराय वाला प्रोटोकॉल जो गुलामी से आया है, दास प्रथा से, वो यहां कंटिन्यू रखना है। हमारे यहां तो नहीं है, भारतीयता में तो कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता क्योंकि हम तो आत्मा की बात करते हैं, हम तो कहते हैं ना आत्मा सबकी समान है, परमात्मा का अंश है, कोई किसी को कैसे गुलाम बना सकता है, हम तो किसी जानवर को गुलाम नहीं बना सकते, आदमी की तो बहुत दूर की बात है, और अगर बनाते हैं तो वो समाज में विकृति माना जाता है, उसको स्वीकृति कभी किसी ने नहीं दिया है, ये हमारे देश में नहीं। अब हमारे यहां क्या होता है, मॉडर्निज्म में हमने अमरीका और यूरोप से प्रभावित होकर बहुत कुछ करना शुरू किया है, जैसे कुत्ते पाल लिए, अभी बहुत लोग हैं जो घर घर में कुत्ते पालते हैं। भारतीयता में आप कुत्ता घर में बांध के नहीं रख सकते, वो तो स्वतंत्र छोड़ने के लिए ही है, लेकिन हमने घर में पाल लिए और उनको गले में पट्टा डाल के घुमाने के लिए लेके जाते हैं और फिर वापस लाते हैं, उसमें बड़ी शान समझते हैं। और अगर उसको पलट के ये कह दो कि भाई ये कुत्ते पालने से अच्छा कोई गाय पाल लो तो दूध तो मिलेगा और गोबर का खाद किसी किसान को मिलेगा, क्या अब्सर्डिटी की बात करते हो, गाय रखेंगे, गंदा करती है और वो कुत्ता कहीं भी गंदा करता है,
किसी का लिहाज नहीं करता, कहीं भी पांव उठा के मूत्र कर देगा और कहीं भी संडास कर देगा, उसको साफ करना हमको अच्छा लगता है क्योंकि यूरोप से आया हुआ है और हम गाय पाले और उसका दूध पिए तो उसमें 50 तर्क सुनाना शुरू कर देते हैं। जी जयपुर शहर में गाय कैसे पाल सकते हैं, कानून नहीं है, कुत्ता पालने का कानून बन सकता है तो गाय का भी बन सकता है, लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया। तो कुछ घालमेल इस तरह का होता है, खिचड़ी कुछ इस तरह की होती है। तो हम जो हमारी मान्यता में ऐसा नहीं है, तो हमारे कार्य में वैसा नहीं है, होता है तो हम उसको विकृति मान के छोड़ते हैं, वो समाज के लिए आदर्श और उदाहरण नहीं बनता है। तो अब हमारी मान्यता जिस तरह की है व्यवस्था उसी तरह की बनेगी, उनकी मान्यता जिस तरह की है व्यवस्था उस तरह की बनेगी, और व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कायदे कानून उस तरह के बनेंगे जिस तरह की मान्यता और व्यवस्था होगी। तो यूरोप और अमेरिका के नियम कायदे कानून उस तरह के हैं, हमारे नियम कायदे कानून भी अगर उसी तरह के बनेंगे तो सर्वनाश ही होगा। अब जैसे वहां जितने भी न्याय के कानून हैं, जिसको जस्टिस कहा जाता है उनकी भाषा में, वो सभी के सभी गुलामों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे पनिशमेंट के कानून है, पनिशमेंट के कानून यूरोप में है, क्योंकि गुलाम है तो गुलामों को पनिशमेंट देना है, और देना है तो किस तरह का, 100 कोड़े मारो, 200 कोड़े मारो, 500 कोड़े मारो, 1000 कोड़े मारो, 1 शिलिंग की चोरी हुई है, 2 शिलिंग की चोरी हुई है, या 1 पाउंड की चोरी हुई है, उसमें 1960 तक लंदन में 40 कोड़े की सजा थी। तो इस तरह की व्यवस्था है क्योंकि वो गुलाम। हमारे यहां तो कुछ दूसरे तरह की व्यवस्था थी, हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, और किसी भी राजा के समय में चोरी के लिए जो कानून बने हैं न्याय देने के लिए, और यूरोप में है, उन दोनों का मैं आजकल अध्ययन कर रहा हूं, जमीन आसमान का अंतर है। और वहां अगर सजा है, जैसे भारत के क्रांतिवीरों को भी वो सजा देते थे कोड़े मारने की, क्योंकि यूरोप से आई है वहीं से। तो भारत का कोई क्रांतिवीर है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया, 50 कोड़े मारो, जैसे चंद्रशेखर आजाद की कहानी तो आपने सबने सुनी है कि उनको अदालत में ही कोड़े मारे गए थे, तो उन्होंने जज से रियायत मांगी कि ये तो बहुत ज्यादा है, तो जज ने कहा अच्छा 5 कम कर दो, 45 मार दो, ये दया है। लेकिन वो जज जानता नहीं है कि 10 कोड़े में भी ये मर जाएगा, और वही हुआ चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो जो न्यायाधीश बैठा था कुर्सी पर, वो कहे कि मैं क्या करूं, मुझे तो जो लॉ मिला है उसके आधार पर मैंने फैसला दिया है, अब इसमें प्रेम दया करुणा कहां से फिट बैठती है, मेरे समझ में नहीं आता, भारतीयता की नजर से मैं नहीं देख सकता क्योंकि मुझे कानून ऐसा मिला है पालन करने के लिए। तो चंद्रशेखर के केस में जज की यह टिप्पणी, वो कहता है कि भारतीयता की नजर से देखूं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है जो मैंने किया, कि उसको मैंने 50 कोड़े की सजा दी, बाद में 5 घटा के 45 कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर को जब 10 कोड़े पड़े हैं तो वो बेहोश हो गए, तो बेहोशी के बाद इंतजार किया है जज ने, दोबारा होश आने पर बाकी 40 कोड़े मरवाए, 45। तो हम कहते हैं जी बहुत अत्याचार है, लेकिन वो कहते हैं ये तो हमारे यहां सामान्य व्यवहार है, इसी तरह से हम सजा देते हैं यूरोप में अपने गुलामों को, तो यही भारत में कर रहे हैं। इसी तरह से भारत के क्रांतिवीरों को सजाएं देने के तरीके, जो गुलामों को वहां यूरोप में बर्फ की सिल्ली पे लिटा देना और उसको पीठ पर पीछे से डंडे से मारना, ये दिस इज टिपिकल यूरोपियन स्टाइल। यूरोप में बर्फ बहुत है, जमीन पे लिटा दिया, पीछे से बैत से मार रहे हैं, यही भारत में वो लेके आए। और विनायक दामोदर सावरकर को पहली बार जब अरेस्ट किया है तो उनको यही दंड है, बर्फ की सिल्ली पे लिटाकर पीछे से केन से मारना, जब तक बेहोश ना हो जाए तब तक मारना। तो ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं यहां, हमको ऐसा लगता है अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हमारी मान्यता के, वो कहते हैं कि हम तो न्याय दे रहे हैं क्योंकि उनकी मान्यता के, तो झगड़ा यही है। और इसी झगड़े को गांधी जी ने सभ्यता का झगड़ा बताया, और गांधी जी ने ये जो कहा कि ये शैतानी सभ्यता है, शायद वो यही सब कारण से, वो कहते हैं ये शैतान से भी गिरे हुए हैं। तो अब हमें यह तय करना है कि जो शैतानी सभ्यता गांधी जी बोल गए और जो दिखाई भी देती है उनके दस्तावेजों में, उसको अंधानुकरण करें या अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी मान्यताओं के पीछे चलें, ये बड़ा प्रश्न इस समय हमारे देश में है।
फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भारतीय सभ्यता में सब कुछ अच्छा है क्या, संस्कृति में सब कुछ अच्छा है? नहीं है, बहुत कुछ खराब है, क्योंकि सभी सभ्यताओं में बहुत कुछ खराब होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है। तो हमारी सभ्यता संस्कृति में भी बहुत कुछ खराब आ गया है, शायद वो नकल से आया हो। सबसे बड़ी खराबी अपनी सभ्यता में जो पिछले 200 250 500 वर्षों में आई है, या शायद ज्यादा आ गई हो, कि हमने जातियों के आधार पर ऊंच नीच कर दिया इस देश में। ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये बैकवर्ड क्लास है, ये फॉरवर्ड क्लास है, ये ब्राह्मण है, ये चमार है, ये चमार नीचा है, ब्राह्मण ऊंचा है, क्योंकि चमार हाथ से काम करता है, ब्राह्मण दिमाग से काम करता है। ये जो ऊंच नीच है, ये शायद हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी बुराई हो। आज के समय के हिसाब से तो दिखाई ही देती है, पहले भी शायद रही हो, या इसका कोई दूसरा स्वरूप रहा हो, उस पर हमें रिसर्च करने की अभी जरूरत है। तो हमें ऐसा लगता है कि यह खराब है। तो सभी सभ्यताओं के विकास में ये एक मूल क्रम होता है कि जो खराब है उसको छोड़ते जाओ, जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाते चले जाओ। सभ्यताओं का विकास ऐसे ही होता है। तो अगर हम मानते हैं कि भारत की सभ्यता में कुछ खराब है तो छोड़ें और उसको परिष्कृत करने की कोशिश करें, तब तो ईमानदार यात्रा हमारी होती है विकास की। लेकिन अगर अपनी सभ्यता को ही छोड़ दें, उसकी बुराई अच्छाई तो बात ही ना करें, और सब कुछ विदेशी सभ्यता में अच्छा ही अच्छा है, बिना जाने बिना समझे उसको आयातित करें, तो ये तो सर्वनाश की तरफ ले जाएगी, जो गांधी जी कहते हैं। तो मेरी अपनी मान्यता में वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, लिबरलाइजेशन के नाम पर इस देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि बिना सोचे बिना समझे यूरोपियन अमेरिकन सभ्यता को अंधाधुंध तरीके से इस देश में लागू करने की पूरी ताकत लगाई जा रही। अब हम नागरिकों के सामने ये बड़ा धर्म संकट है कि हम कहां जाएं। अगर हमको ये तय करना है कि हम हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ जाएं, तो पूरी हिम्मत और ताकत के साथ इसको सामूहिक रूप से कहना पड़ेगा। और या तो हम समूह के रूप में ये तय कर लें कि हमको अमरीकी होना ही अच्छा है, जैसे पंडित नेहरू मानते हैं और आज के प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि हम यूरोपियन हो जाए अमेरिकन हो जाए उसी में हमारी भलाई है, तो पूरा समाज ईमानदारी के साथ अमरीकी और यूरोपीय हो जाए, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। या तो हम ईमानदारी से अमरीकी यूरोपीय हो जाए, या ईमानदारी से भारतीय रह जाए, ये जो बीच की खिचड़ी है, क्योंकि फ्यूजन कहीं नहीं होता है, हो नहीं सकता है सभ्यताओं में, तो नहीं हो सकता है। तो फ्यूजन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से कोई अभीष्ट नहीं निकलेगा, हमारे लायक नहीं होगा। इतना ही कहकर इस व्याख्यान को मैं विराम देता हूं, और इस व्याख्यान की मदद से एक नया प्रश्न मैं इस समाज में खड़ा करना चाहता हूं कि हमको जाना किधर है, ये तय करें। यूरोप अमेरिका जैसा होना है तो पूरी ताकत से बने, और भारतीय होना है तो पूरी ताकत से इधर आए। समाज के स्तर पर यह तय करने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति इसे तय करने में समर्थ नहीं है। राजनीति समर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि वो नितांत स्वार्थ में डूब चुकी है, और जब नितांत स्वार्थ में कोई डूब जाता है तो वो समाज को दिशा नहीं दे सकता। तो ये समाज को ही तय करना है, और समाज का हिस्सा राजनीति बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हमारा समाज राजनीति को निर्देशित करे, दिशा निर्धारित करे, अपने स्तर पर तय करके, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं विदा लेता हूं। और आप सब थोड़े से नागरिकों के बीच में ये कहा, क्योंकि आप सोचते हैं समझते हैं, और न सिर्फ सोचते समझते हैं बल्कि पढ़ सकते हैं। मैंने इतने सारे रेफरेंसेस दिए, आप चाहें तो प्लेटो को पढ़ सकते हैं, उसकी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं, रिपब्लिक भी उपलब्ध है और उसकी सब लिखी हुई है, जयपुर में मिलती है। सोक्रेटिस को पढ़ सकते हैं, लेविनिट्स डिकार्ते, किसको भी पढ़ना हो, रूसो को पढ़ना हो तो वो भी यहाँ उपलब्ध है। जयपुर में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, आप उनमें जाके निकाल सकते हैं। और ये जो दूसरे रेफरेंस मटेरियल्स हैं वो मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं, उनके आधार पर हम थोड़ी छोटी कुछ सीडी बना रहे हैं, कुछ कैसेट्स बना रहे हैं, कुछ पुस्तकें बना रहे हैं, कभी भी आपको मिल सकती है। लेकिन इस बहस को फिर से शुरू करना है, जो गांधी जी 1909 में कह गए कि यूरोपियन सभ्यता शैतानी है, अगर फंसे तो सर्वनाश है, निकले तो जीत है, ये गांधी जी मानते थे। मैं अभी उसको मानने लगा हूं पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि मैंने वो देखना शुरू किया है जो गांधी जी आज से 100 साल पहले देखकर चले गए। इतनी विनम्रता के साथ आपका आभार, धन्यवाद। और इस विषय पर हम आगे चाहें तो इससे भी ज्यादा और गहरी बात हो सकती है, इससे भी ज्यादा और गहरा कोई आपके बीच में मैं बात करने के लिए फिर से आ सकता हूं। लेकिन एक बार मन बने, मानसिकता तैयार हो इस तरह का सुनने की, और सुनने की ही नहीं, गुनने की,
चिंतन करने की, तो शायद आने वाले समय में मुझे भी मजा आएगा, आपको और ज्यादा मजा आएगा। आभार। ये सब बातें सबको विजेते सबको जैसा है, हमारे अंदर पिछले 1000 साल से आपके अनुसार वो क्या कमी आ गई है जिसमें कि हम 1000 साल से कभी मुसलमानों के, कभी मुगलों के, कभी यूरोपियंस के और आज अमेरिकन्स के हम गुलाम ही बनना चाहते हैं। आज हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कहता है हमको चाइना का अनुकरण करना चाहिए, तो हमको हर का पिछड़ी बना रहना पड़ेगा, हमारे को चाइना का, अब यूरोप को छोड़कर चाइना का अनुकरण करने लगे। चाइना तो हमारा इस तरह हमारी इतनी प्रगति कर रहा है, कोई गुलामी के आधार पर नहीं कर रहा है। हमने ये बात क्यों है और क्यों नहीं जाती, ये भारत की जो बहुत बड़ी दुर्गुण है जिसके बारे में आपने कहा कि हम 1000 साल से बार बार दूसरों की गुलामी में क्यों फंसते हैं। कभी मुसलमानों की गुलामी में, जिनको हम मुगल कहते हैं, वहां फंस गए 300-400 साल अंग्रेजों के साथ, फिर फ्रांसीसियों के साथ, डच लोगों के साथ, पोर्चुगीज लोगों के साथ, तो सबसे ज्यादा 450 साल भारत का बहुत बड़ा इलाका गुलाम रहा। कारण क्या है? मेरी अपनी समझ और मान्यता के हिसाब से मैं कहता हूं, आपकी समझ दूसरी हो सकती है, पिछले 1000-1200 वर्षों में हमारे देश की सभ्यता में जो सबसे बड़ी एक बुराई घुसी 1500 साल कहें, वो यही कि हमने समाज को जो बांटा है अलग अलग जातियों के आधार पर, वर्गों में जातियों के वर्ग बना दिए, ये अगड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग, कुछ जातियां आगे कुछ जातियां पीछे, और उसके आधार पर ऊंचा नीचा कर दिया कि जैसे कोई ब्राह्मण है वो पंडिताई का काम करता है तो ऊंचा हो गया, चमार है वो हाथ से कोई जूता बनाता है तो नीचा हो गया। हमारे यहाँ ये व्यवस्था कभी रही होगी तो कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर कभी नहीं थी। हम जन्म के आधार पर अपने वर्ग कभी नहीं बनाते, कर्म के आधार पर वर्ग बनाए हैं हमने कभी। तो जब कर्म के आधार पर ये वर्ग रहे तो भारत सोने की चिड़िया के नाम से सारी दुनिया में जाना जाता था। चंद्रगुप्त भी हुए, हर्षवर्धन भी हुए, अशोक भी हुए, तमाम। जब हमने जन्म के आधार पर इसको मानना शुरू किया होगा, वहां से गिरावट आई, और समाज में गिरावट जब आती है तो राज्य भी उसका एक अंग है समाज का, तो उसमें भी गिरावट आई और शक्ति हमारी छिन्न भिन्न हुई। वो शक्ति कैसे छिन्न भिन्न हुई वो एक उदाहरण से समझ में आता है। अंग्रेजों का एक राजा या अंग्रेजों का एक अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव जब यहां आता है और बंगाल में लड़ाई लड़ता है प्लासी के स्थान पर, और सिराजुद्दौला को पराजित करता है षड्यंत्र के हिसाब से, युद्ध के मैदान में नहीं, तो वो एक जुलूस निकालता है और उस जुलूस में वो एक बहुत पते की बात कहता है। वो ये कहता है कि मैं जब जुलूस निकाला भारत में कलकत्ता की सड़कों पर तो मात्र 300 सैनिक थे मेरे साथ, मैं और 300 सैनिक। भारत के हजारों लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर तालियां तो बजाते थे, लेकिन मेरे जुलूस पर कोई एक ईंट और पत्थर भी फेंक दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और हो गया होता। ये उसने अपनी डायरी में लिखा। बाद में उसने उसका विश्लेषण किया है कि मैंने बहुत दिन सोचा भारत में ऐसा क्यों है, तो बाद में पता चला कि जो सड़क के किनारे खड़े हुए लोग थे वो सब पिछड़ी जातियों के थे, जिनको ये लगता था कि ये अंग्रेज हैं वो भले हैं, अगड़ी जातियों पर हमला करने के लिए आए हैं, शायद हमारे उद्धारक बनेंगे, इसलिए हम तो तालियां ही बजाएं क्योंकि हमारा शोषण ये अगड़ी जाति वाले कर रहे हैं, फॉरवर्ड लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों का स्वागत किया, और ना सिर्फ किया बल्कि आज भी करते। तो ये जो हमारे यहाँ हुआ है जाति आधारित जन्म से, उसने हमारे समाज की शक्ति को छिन्न भिन्न किया, कमजोर किया, और समाज बट गया। अब हजारों जातियां हैं तो हजारों में बटा हुआ समाज है, शक्ति पूरी खराब हो गई। 4500 से ज्यादा जातियां हैं, ग्रुप्स अलग अलग उसके हिसाब से बने, तो उसी में हम टूट गए और डूब गए। इसी कारण मुझे ऐसा लगता है, और भी कोई कारण हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम बार बार गुलाम हुए और आज भी उसी गुलाम के लिए अभिशप्त बने हुए। ये मेरा अपना मानना है, इसके अलग भी कोई हो सकता है। ये जो आप कह रहे हैं, ये अगली पिछड़ी जाति का जो भेद हमारे देश के अंदर किसी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आ गया, परंतु जो भी गुलाम रहे हैं, चाहे मुगलों के, मुसलमानों के, फिर बाद में अंग्रेजों के, वो सबके सब अगड़ी जाति के रहे हैं, पिछड़ी जाति के नहीं रहे हैं। इसलिए कि पिछड़ी जाति अगली जाति मिलकर लड़ नहीं पाए दुश्मनों से। आप पिछड़े हैं, आपको अलग किया हुआ समाज ने, अगड़े हैं, गुलाम हैं, तो समाज के पिछड़े लोग अगड़ों के साथ नहीं आए लड़ाई लड़ने के लिए। मैं
इधर आ जाओ।